हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर आयुष पारिक। वेलकम है आप सभी का। तो बच्चों, डीसीएम की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसका 6th नंबर का टेस्ट है। बायोलॉजी में बात करें तो सेकंड और जूलॉजी में बात करें तो फर्स्ट। तो उम्मीद है कि आप इस टेस्ट सीरीज को बड़े उत्साह के साथ दे रहे होंगे। और बच्चों, ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी नीट में एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करने में, क्योंकि अब वक्त बचा है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और जितने ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड माहौल में आप रह सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। इसीलिए हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उसी टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों, आज हम जो पेपर डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है जिसे हमें डिस्कस करना है। तो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थिकेस्ट मस्कुलरिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड इन, यानी आहार नाल में सबसे मोटा पेशी स्तर कहाँ उपस्थित होता है। तो देखो, आहार नाल की बात की जाए तो सबसे मोटा पेशी स्तर किस तरफ उपस्थित होगा, यानी कि कहाँ पे होगा बच्चों, स्टोमक में होगा, आमाशय के अंदर स्थित होगा। क्यों होगा आमाशय के अंदर स्थित, क्योंकि बाकी की जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे जो मस्कुलरिस वाला पार्ट है, देखो अगर इस तरह से अगर हम हिस्टोलॉजी देखें तो ये हो गई ल्यूमन, इसके बाद में क्या हो गया म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद में क्या हो गया सब म्यूकोसा, और फिर कौन आ गई मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के बाहर कौन आ गया सीरोसा। ये सीरोसा, ये लेयर मस्कुलरिस, ठीक है, ये लेयर कौन सी हो गई सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की लेयर कौन सी हो गई म्यूकोसा। तो मस्कुलरिस जो है, बाकी जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है उनमें हमें केवल लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल देखने को मिलेगी, बट स्टोमक के अंदर हमें ऑब्लिक मसल भी देखने को मिलेगी। तो ऑब्लिक मसल आ जाने के कारण जो थिकेस्ट पार्ट है, यानी कि जो थिकनेस बढ़ गई, किसकी थिकनेस बढ़ गई, स्टोमक की मस्कुलरिस की थिकनेस बढ़ गई, और सबसे मोटी जो पेशी स्तर है वो हमें कहाँ पे मिली, स्टोमक में मिली। इसका रीजन एक और है, क्योंकि स्टोमक को 3 से 4 घंटे फूड को स्टोर रखना है, गैस्ट्रिक जूस को उसके साथ मिक्स करना है, तो इसी वजह से वहां पर क्या होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो एक लेयर एक्स्ट्रा वहां पर ऐड हो जाती है ऑब्लिक मसल्स की, इस वजह से वहां की जो मस्कुलरिस है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। तो इसलिए आंसर कौन सा जाएगा इसमें बच्चों, हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या पूछा है बच्चों हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर पेप्सिनोजन इन दी इन दिस वे एंटेरोकाइनेज इज फॉर, पेप्सिनोजन हेतु हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा इसी तरह एंटेरोकाइनेज किसके लिए है, यानी कि क्या पूछा है। देखो, पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन की हम बात करें बच्चों, पेप्सिनोजन जो है ये कैसा एंजाइम है, इनएक्टिव, कैसा एंजाइम है ये, इनएक्टिव एंजाइम है। इस पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है और किस में बदल दिया जाता है इसको एक्टिव करके, पेप्सिन में। पेप्सिन कैसा है, एक्टिव है। एक्टिव करने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो सेम इसी तरह से ये पूछ रहा है कि एंटेरोकाइनेज जो है, एंटेरोकाइनेज जो है वो किसके लिए काम करेगा। तो देखो, एंटेरोकाइनेज सबसे पहले तो निकलता कहां से है, जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम की जो वॉल है इसके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज सीक्रेट किया जाता है। ये एंटेरोकाइनेज क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन आता है, ट्रिप्सिनोजन कैसा है, इनएक्टिव, ट्रिप्सिनोजन कैसा है एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम है। ये एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देता है, ट्रिप्सिन में। और अब कैसा हो गया ये, पहले कैसा था, इनएक्टिव, अब ट्रिप्सिन कैसा हो गया बच्चों, एक्टिव। तो बिल्कुल आंसर सेम हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, इनएक्टिव को एक्टिव में बदलना। इसी तरह से एंटेरोकाइनेज ने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को, इनएक्टिव को किस में बदल दिया, ट्रिप्सिन में। तो किसके ऊपर काम किया एंटेरोकाइनेज ने, ट्रिप्सिनोजन के ऊपर क्या किया, फंक्शन किया। सेम इसी तरीके से देखो, एंटेरोकाइनेज ने किसके ऊपर कार्य किया, ट्रिप्सिनोजन के ऊपर अपना कार्य किया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए,
थर्ड नंबर का क्वेश्चन। देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में दो स्तंभ आपको दे रखे हैं यहां पर, और क्या करना है, मिलान करना है। ऑर्गन्स हैं और उनकी शेप दे रखी है, स्टोमक जैसे ये ऑर्गन्स इस तरफ दे रखे हैं और यहाँ इनकी शेप दे रखी है। तो कैसे मिलाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्टोमक का आपको सभी को पता है कि हमारा स्टोमक किस तरह का शेप हम लोग मानते हैं, उसे जे शेप मानते हैं। तो स्टोमक के लिए कौन सी शेप हो गई, जे शेप हो गई। इस क्वेश्चन में पूरा की पूरा जो गेम है वो केवल क्या समझने का है, ड्यूडेनम की शेप समझने का है। ड्यूडेनम की जो शेप है हमारी नई एनसीईआरटी जो है वो इस शेप को कैसा बताती है, सी शेप बताती है। तो ड्यूडेनम की शेप हमें कैसी माननी है बच्चों, ड्यूडेनम की शेप किस तरह की होगी, देखो वन नंबर, यानी कैसी शेप होगी ड्यूडेनम की, सी शेप होगी। ड्यूडेनम की सी शेप होगी तो बी में क्या चला गया, वन चला गया। विली यानी कि रसांकुर, क्या बोलते हैं हम इन्हें, अंगुलीनुमा प्रवर्ध, अंगुलीनुमा प्रवर्ध बुलाते हैं हम लोग इन्हें, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसीलिए सी में क्या आ जाएगा, देखो सी में क्या आ गया, फोर्थ आ गया। रूगे, रूगे जो है वो क्या होते हैं, इरेग्युलर फोल्ड्स हैं, अनियमित वलन होते हैं। अगर ये स्टोमक में होंगे, आमाशय में पाए जाएंगे तो इन्हें क्या कह देंगे, गैस्ट्रिक रूगे यानी कि जठरीय रूगी। तो क्या है ये, अनियमित वलन है। जब म्यूकोसा फोल्ड हो जाती है तो हम उसे क्या बुला देते हैं, रूगी बुला देते हैं। ठीक है, रूगी में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा, कुछ भी नहीं है यार, सिंपल सी बात है। आपके पास में अगर एक चटाई है जिसपे आपको जो बिछाते हैं ना हम लोग, एक बड़ी सी चादर है, उसको समेट के रखना है तो आप कैसे कर दोगे, उसको ऐसे फोल्ड कर दोगे, फोल्ड करोगे तो उसमें इस तरह के क्या बन जाएंगे, फोल्ड्स बन जाएंगे। बस वही वो है, म्यूकोसा भी अगर ऐसे क्या हो जाए, एम्प्टी है, कम जगह पर उसे आना है तो क्या हो जाएगी, वो आपस में मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। जब वो फोल्ड होगी तो उसकी जो म्यूकोसा है उसपे क्या बन जाएंगे, इरेगुलर फोल्ड्स डेवलप हो जाएंगे। उन्हीं को क्या कहा गया, रूगी कहा गया। तो रूगी में देखो क्या आना चाहिए, डी में क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। तो अब हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 3 1 4 5। तो 3 1 4 5 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, 3 1 4 5 थर्ड ऑप्शन में हमें मिल गया, 3 1 4 5। इसी वजह से आंसर क्या चला गया हमारा, थर्ड ऑप्शन चला गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आगे चलिए। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, जो हेपेटिक लोब्यूल है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है उससे क्या रहता है, कवर रहता है शीट से। तो वो थिन कनेक्टिव टिश्यू की जो शीट है वो कौन सी है जो हेपेटिक लोब्यूल को कवर करके रखती है। सबसे पहले तो हेपेटिक लोब्यूल की बात की जाए ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हेपेटिक लोब्यूल है ये किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, ये एक तरह से लीवर की यूनिट है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। किसकी इकाई है, यकृत की, यकृत की क्या, जो यकृत की जो पाली है, ठीक है, लीवर की यूनिट है। अब कैसे होता है हेपेटिक लोब्यूल, इस तरह की देखो स्ट्रक्चर होती है हेपेटिक लोब्यूल। इसके कॉर्नर्स पे क्या होता है, पोर्टल ट्रायड होता है, ठीक है, सेंटर में क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है, यहां से बाइल कैनलक्यूली इससे कनेक्टेड होते हैं इस तरह से देखो, ठीक है, और इनके बीच में क्या होते हैं, हेपेटिक साइनोसॉइड्स होते हैं जिनमें क्या भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है। तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल है ये एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से, थिन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर होता है। तो उसे किस नाम से बुलाया जाता है बच्चों, उसे हम क्या बुलाते हैं, गिल्सन कैप्सूल यानी कि ग्लिसन कैप्सूल। ये देखो ये यहाँ पे हमें फोर्थ ऑप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा। हिंदी में भी बात करें तो क्या बुलाएंगे हम लोग इसे, गिल्सन संपुट। तो इसी वजह से हमारे फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर भी गया वो कौन सा चला गया, फोर्थ ऑप्शन चला गया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, सिंपल सा क्वेश्चन था और एग्जैक्टली एकदम फैक्चुअली भी देखा जाए तो ये आपको आसानी से याद भी होगा कि जो हेपेटिक लोब्यूल है उसे कवर करके रखने वाला थिन कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है वो कौन सी होगी। अब यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना, एग्जाम में कल को घुमा दे और आपसे कनेक्टिव टिश्यू की जगह यहाँ पर वो वर्ड यूज कर ले, एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है एपिथेलियल जब हम पढ़ते हैं उपकला ऊतक, कि किसी भी चीज की कवरिंग कौन बनाएगा, उपकला ऊतक बनाएगा, तो हमारे दिमाग में ये चीज रहती है। तो ये ध्यान रखना कि किसका बना हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, बस इसमें ये थोड़ा सा गेम है, ठीक है, आगे चले, कोई कंफ्यूजन यहां तक। नेक्स्ट, फूड मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय द चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक मिक्स्ड फूड इज कॉल्ड। देखिए, आमाशय की पेशी भित्ति की गति द्वारा भोजन को अम्लीय जठर रस के साथ मिलाया जाता है तथा यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जो तथा यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित भोजन क्या कहलाएगा, यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ मिक्स हो जाएगा, खाने के साथ, फूड के साथ मिक्स हो जाएगा, या सिंपली हम कहें कि जो गैस्ट्रिक जूस है, जो जठर रस है, जो भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा, तो उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे जो इन दोनों के मिक्सिंग से बनी होगी। यहाँ से देखो, ये इस तरह से यहाँ से इसोफेगस आई, इसोफेगस से कौन कनेक्ट है, स्टोमक कनेक्ट है, और यहाँ पे जा करके कौन आ जाएगी, इसी तरह से नीचे की तरफ कौन लग रही होगी, ड्यूडेनम, सी शेप की ड्यूडेनम इस तरह से अटैच्ड है। तो देखो, यहाँ से जब फूड पार्टिकल अंदर जाता है ना, माउथ के अंदर फूड पार्टिकल यहाँ पर होगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। जब ये किस में पहुंच गया, स्टोमक में पहुंच गया, ठीक है, स्टोमक में पहुंच गया ये फूड। और अब ये जो फूड है वो किससे मिक्स हो गया, ये फूड किससे मिक्स हो गया, ये फूड किससे मिक्स हो गया, यहां पर गैस्ट्रिक जूस के साथ, यानी कि ये क्या बन गया, यहां पर किससे मिक्स हो गया ये फूड, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गया। तो देखो, स्टोमक की बात करी, जब ये अंदर आया तब क्या था, बोलस। बोलस के बाद ये फूड जो है वो किसके साथ मिक्स हुआ, यहाँ पर बच्चों गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ, यानी कि यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ, ये फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में कौन प्रेजेंट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था। तो ये जो स्ट्रक्चर अब यहाँ पर बनी खाने के और गैस्ट्रिक जूस के मिलने के बाद में, अब हमने इसको क्या बोला, हमने अब वर्ड यूज किया यहाँ पर। अब देखो ये कैसा हुआ, क्योंकि इसमें मेन कौन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी हो गई, अब एसिडिक हो गई। तो इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं यहाँ पर बच्चों, काइम बुलाते हैं। हमने क्या नाम दिया यहाँ पर इसके लिए, काइम। काइम की पीएच पूछी जाए तो कैसी है, एसिडिक है। सिंपल सी बात है, खाना जब पेट के अंदर पहुंचता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण इसकी भी पीएच कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस का जो मिक्सचर स्टोमक के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं, काइम। अब ये जो काइम है यहां से किसके अंदर आएगा, ड्यूडोनम के अंदर आएगा, इस जगह से होता हुआ, ठीक है। और ये काइम ड्यूडोनम की वॉल पर जब आता है तो जाकर के आगे की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होती है, जिसके कारण बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो बेसिकली रिलीज किए जाते हैं इस एसिडिक काइम से बचने के लिए, ड्यूडोनम की जो वॉल है अपने आप को बचाने के लिए बाइकार्बोनेट्स का सिक्रेशन होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। तो इस तरीके से जो आगे की स्टिमुलेटरी प्रोसेस होती है वो इस एसिडिक काइम के ड्यूडोनम के अंदर प्रवेश करने के बाद में होती है, ठीक है। तो हमसे सिंपल से क्वेश्चन ये पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्स्ड फूड है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, काइम कहलाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, सिंपल सा क्वेश्चन, आगे आ जाओ। मेरास्मस का आपसे क्वेश्चन पूछा है, मेरास्मस किसकी कमी से होगा। देखो, मेरास्मस किसकी कमी से होता है, मेरास्मस का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना आप लोग, मेरास्मस किसकी कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से होगा प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कैलोरी की कमी से होगा। एनसीईआरटी साफ तौर पर लिखती है कि ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी, ठीक है। कैलोरी का मीन कार्बोहाइड्रेट को ऐसे हम कैलोरी का मेन सोर्स मानते हैं एनर्जी का, इसलिए कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी में मेन सोर्स हमने क्या माना, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं कि मेरास्मस में दोनों की क्या है, डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की भी और कार्बोहाइड्रेट की भी। तो मेरास्मस की ये पता, हमें कॉज पता चल गया। किसमें होता है, इन्फेंट्स में, एक साल से कम उम्र के बच्चों में, एक साल से जिनकी एज कम है उनमें, जिनमें मदर मिल्क को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया गया। बॉडी में जब प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी तो इस तरह से उनकी बॉडी कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, यानी उनका शरीर कैसा हो जाएगा, अत्यधिक पतला हो जाएगा। जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी, झुर्रीदार, व्रिंकल्ड स्किन हो जाएगी। तो इस तरह के उनमें क्या होंगे, लक्षण पैदा होंगे, ठीक है। पर हमसे क्वेश्चन में अभी क्या पूछा है कि कारण पूछा है, हमसे कॉज पूछा है। तो बेटा कॉज क्या है, दोनों आ गए, प्रोटीन प्लस कैलोरी यानी कार्बोहाइड्रेट। और ऐसा ऑप्शन देखो, कार्बोहाइड्रेट हमें फर्स्ट में दे रखा है, प्रोटीन हमें सेकंड में दे रखा है, विटामिन्स की यहाँ पर बात हो ही नहीं रही, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। इसीलिए सही आंसर कौन सा चला गया, इसका फोर्थ ऑप्शन चला गया कि भैया दोनों की कमी से ये डिजीज जो है वो होगी, ठीक है। आगे चले, कोई कंफ्यूजन,
नेक्स्ट, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता है स्टोमक में रिलीज होता है ऑक्सेंटिक या पेराइटल सेल से, कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, तो आंसर क्या जाएगा, विटामिन B12। क्या आना चाहिए यहां पर, विटामिन इस B12। ऐसे जो क्वेश्चंस आए ना जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखा हो, तो आप क्या करो, फिल इन दी ब्लैंक को पहले भर लो, आपको जो नॉलेज है उसके आधार पर भर लो। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस में पहले ऑप्शन देख लिए ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। तो हमने पहले यहां पर इसको फिल इन दी ब्लैंक को फिल कर लिया, तो विटामिन B12 एंड सीक्रेटेड बाय, कौन से सेल की बात करें हम लोग यहां पर, ऑक्सेंटिक सेल भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं यहां पर, या तो हम ऑक्सेंटिक भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, पेराइटल भी लिख सकते हैं। तो B12 का एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और ऑक्सेंटिक और पेराइटल दोनों से सीक्रेट होता है। अब हम ऑप्शन की तरफ चले, मतलब ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल सेम ही है, तो अब हम ऑप्शन की तरफ चले, तो पहला तो देखो गलत हो गया ना पहला, साइनोकोबाल्मिन और मुख्य सेल से नहीं है, ठीक है चलो नेक्स्ट। विटामिन B12 बिल्कुल सही मिल गया, ऑक्सेंटिक सही मिल गया, थर्ड ऑप्शन में विटामिन B12 सही मिल गया, पेराइटल सही मिल गया, तो बस आंसर यानी सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। इसी वजह से हमारा सही आंसर क्या गया इसमें बच्चों, फोर्थ ऑप्शन चला गया, सेकंड एंड थर्ड दोनों के दोनों, ठीक है बात आई समझ में आप लोगों को, आगे आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। Which one of the following equation matched correctly with the action of enzymes on the given substrate regarding the end product of the reaction? यानी कि हमें ये कुछ equations दे रखी हैं, कौन सा समीकरण क्रियाधार पर एंजाइम की क्रिया तथा अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद के संदर्भ में सुमेलित है, यानी मैच, करेक्ट मैच हमें पता करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा मैच पूछा है हमें, करेक्टली पूछा है, तो इसको गोला बनाओ सबसे पहले तो, ठीक है कौन सा वाला पूछा है हमसे, सुमेलित है यानी सही है, सही की बात पूछी है। तो स्टोमक में फैट स्टेप्सिन, बेटा स्टेप्सिन जो है वो क्या है, एक तरह से पैनक्रियाटिक लाइपेज को हम बोल सकते हैं, तो स्टेप्सिन एक तरीके से पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज है नहीं। अब स्टेप्सिन स्टोमक में रिलीज होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, गलत हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का डाइजेशन पेप्सिन तो बिल्कुल नहीं कराएगा, पेप्सिन तो कहां पे है, किसका कंपोनेंट है, गैस्ट्रिक जूस का, स्टोमक में होता है, सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। थर्ड पे आ जाओ, स्टार्च अमाइलेज डाइसैकेराइड, सही बात है, सही लग रहा है मुझे तो। थर्ड ऑप्शन बेटा यहां पर क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया, स्टार्च जो है अमाइलेज के कारण किस में ब्रेक हो जाएगा, डाइसैकेराइड्स में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन स्टार्च का हो जाएगा। फोर्थ भी देख लेते हैं, ड्यूडेनम में ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रिप्सिन थोड़ी डाइजेस्ट कराएगा, ट्रिप्सिन कैसा है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैट है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सही आंसर हमें कौन कहां पर मिल गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन में मिल गया। चलो नेक्स्ट, मिल्क प्रोटीन, ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना होगा आप लोगों को, ऑब्वियसली आपका सही भी हुआ होगा मुझे पूरी उम्मीद है, पढ़ने वाले बच्चे हो आप सभी। मिल्क प्रोटीन में रेनिन, मिल्क प्रोटीन में जो मिल्क प्रोटीन है उसके डाइजेशन में पहले कौन करवाएगा, रेनिन करवाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश के ऑप्शन में स्पेलिंग का ध्यान रखना है, डबल एन आ रहा है मतलब एंजाइम की बात हो रही है। रेनिन ने क्या किया, मिल्क प्रोटीन को किस में ब्रेक कर दिया, एक तरह से पैरा कैसीन में, किस में ब्रेक कर दिया, पैरा कैसीन, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन प्रोटीन होता है यहां पर, ठीक है, तो पैरा कैसीन में ब्रेक कर दिया। अब पैरा कैसीन की रिएक्शन जब कैल्शियम आयन के साथ में हुई, ठीक है, कैल्शियम आयन के साथ में हुई तो क्या बना, कैल्शियम पैरा कैसीनेट बन गया, क्या बन गया, कैल्शियम पैरा कैसीनेट। अब कैल्शियम पैरा कैसीनेट के ऊपर जब पेप्सिन ने अपनी रिएक्शन करी, हमेशा यहां तक कि हम रिएक्शन देखते हैं कि मिल्क प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, भैया प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड्स बनेंगे ना, अमीनो एसिड्स बनेंगे, तो रेनिन उसे डायरेक्ट अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, यहां पर इनडायरेक्टली वो उसका डाइजेशन कर रहा है। अब इस कैल्शियम पैरा कैसीनेट पे कौन वर्क करेगा, पेप्सिन वर्क करेगा, और पेप्सिन क्या करेगा, इसे किस में तोड़ देगा, अभी भी डायरेक्ट अमीनो एसिड तो बनेंगे नहीं,
पहले क्या बनेंगे, बड़े बड़ी चेन है तो उसे स्मॉल चेन में तोड़ा जाएगा, तो पहले क्या बनेंगे, पेप्टॉन्स, पेप्टॉन्स। बस हमसे ए बी सी पूछा है, तो ए क्या हो गया, देखो पैराकैसिन, ये दोनों गलत हो गए, ये रहा पैराकैसिन हो गया, कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन हुई तो बी कैल्शियम आयन हो गए, और सी पर क्या हो गया, पेप्टॉन हो गया। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन में हमें सही आंसर मिल गया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ऐसे नहीं कि सर एनसीईआरटी ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए रेनिन की बात एनसीईआरटी यहां पर करती है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, आ गया नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने के अवशोषण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या समझते हैं भैया, ये एक प्रोसेस है जिसमें एंड प्रोडक्ट जो है ना डाइजेशन के, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में जाते हैं, क्या बात सही है, क्या अंतिम उत्पाद, बिल्कुल अंतिम उत्पाद ही जाएंगे, और आंतरिक म्यूकोसा से होकर के किस में प्रवेश करेंगे, रक्त में भी कर सकते हैं और लसिका में यानी कि लिम्फ में भी कर सकते हैं, तो मुझे तो सही लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए, पर आपके लिए मुझे बाकी के ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, तो सेकंड ऑप्शन देखेंगे। ये एक ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस बता रहा है फूड का, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल से ऑल बॉडी सेल तक, ट्रांसपोर्ट का थोड़ी है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, याद करो हमने पढ़ा था इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन थोड़ी है ये, आगे आ जाओ, प्रोसेस है यूटिलाइज दी एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंस, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक तरह से मेटाबॉलिज्म हो गया, जो एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेस है उनको सेल्स जब यूटिलाइज करेंगे तो फिर वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, तो वो मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा, तो ये भी एब्जॉर्प्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स आर मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, सवाल ही पैदा नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी एब्जॉर्ब होंगे, कहां होंगे, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, तो बस एग्जैक्टली इसने लार्ज इंटेस्टाइन वर्ड यहां पे यूज कर लिया, इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली, बोल दिया ना मेनली और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये यहां पर आंसर इस वजह से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, यहां पर ये इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, बट इंटेस्टाइन में फिर स्मॉल भी आती है और लार्ज भी आती है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा कि मेनली किस में होते हैं, पर मेनली लार्ज में नहीं होते, ये हमें पता है, ये एक्यूरेटली गलत हो गया। ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, सही हमें फर्स्ट में ही मिल गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट, कौन सा जो है प्रोटियोलाइटिक एंजाइमों को शो कर रहा है, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आपको क्या, कौन से एंजाइम को बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम्स जो किसका डाइजेशन करते हो, प्रोटीन्स का डाइजेशन करते हो, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो बताओ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमें यहां पर देखने हैं। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, एक तो उन लोगों की तरह से किया जा सकता है जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, और एक बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी पढ़ के आए हुए हैं उनके आधार पर भी किया जाता है। मैं पहले प्योर एनसीईआरटी के आधार पर करता हूं इस क्वेश्चन को। पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और स्टेप्सिन, स्टेप्सिन एक पेनक्रियाटिक लाइपेज है, फैट डाइजेस्टिंग है, गलत हो गया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग की बात हो रही है, ट्रिप्सिन लाइपेज, एग्जैक्टली गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर इरेप्सिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एक डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, इट इज नॉट ए एंजाइम, तो गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, फर्स्ट में हमें बिल्कुल सही मिल रहा है। देखो इरेप्सिन जो है ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, पेप्सिन आप सभी जानते ही हैं, ट्रिप्सिन भी आप सभी जानते हैं, अब यहां से ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या मिला, हमें ऐसे क्वेश्चंस में मिलती है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, और आपका काम क्या है कि इन पेपर सॉल्यूशंस में आपको जहां भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती हो उसे नोट कर लो। अब आप अपनी एनसीईआरटी के पन्ने खोलो और वहां पे इरेप्सिन भी एग्जांपल पे नोट कर लो। ठीक है, कंफ्यूजन यहां तक, आगे चले, चलिए नेक्स्ट, ट्वेल्थ, एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल। अच्छा, एक तो कंफ्यूजन आप लोगों को ये है क्या प्रॉक्सिमल और डिस्टल का, इस कंफ्यूजन को ध्यान रखना, जो कोई भी ऑर्गन हो या कोई भी कहीं से भी कोई स्ट्रक्चर शुरू हो रही हो तो जो उसका शुरुआत वाला पार्ट होता है ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल।
और हिंदी में हम उसे बोलते हैं समीपस्थ। हिंदी वालों को तो मुझे पता है कि नाम से पता चल जाता है, इंग्लिश वालों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल में। प्रॉक्सिमल मतलब पास का, समीपस्थ, डिस्टल मतलब दूर का, ठीक है, दूरस्थ। तो देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो इलियम वाला पार्ट है वहां पे हमें लिम्फोइड ऑर्गन्स के एग्रीगेट्स मिलते हैं और वो किस नाम से जाने जाते हैं, पेयर्स पैचेस के नाम से जाने जाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू हमने हर जगह पर, आप देखो जहां जहां से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर होने की संभावना है वहां पर हमने लिम्फोइड टिश्यू दे रखा है ताकि वो वहां से आए और उसका स्वागत करे हमारी बॉडी की WBC वगैरह, हमारी लिम्फोसाइट्स जो हैं। तो ऐसी जगह पे आपको लिम्फोइड टिश्यू मिलेंगे। आपको पता है माउथ के अंदर हमें वॉल्डेयर रिंग्स भी मिलती है, ठीक है। अच्छा चलो वॉल्डेयर रिंग NCERT की बात हो रही है, बट मतलब क्या मिलते हैं हमें, लिम्फ टिश्यू मिलते हैं ना, टॉन्सिल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो बस यही आपको दिमाग में रखना है कि तो ये जो लसिका ऊतकों के गुच्छे हैं ये डिस्टल यानी कि दूर वाला पार्ट, और दूर वाला पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। वहां पर क्या पाए जाते हैं बच्चा, पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, लोएस्ट पीएच पूछा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सबसे कम पीएच, कम पीएच का मतलब हाईली एसिडिक, और सबसे कम पीएच तो सीधा आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें होगा उसका पीएच सबसे ज्यादा कम होगा। ज्यादा पीएच है तो मतलब एल्कलाइन है, कम पीएच है तो मतलब एसिडिक है। तो सबसे कम पीएच में किसका होगा, देखो गैस्ट्रिक जूस, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जठर रस में हमें पता है क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जहां पर HCl आ गया उसका पीएच क्या हो गया, कम हो गया, बिल्कुल सही है ना। तो बस आंसर क्या पूछा है, लोएस्ट पीएच पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लोएस्ट पूछा है ना। नेक्स्ट, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है गार्डेड बाय विच स्पिंक्टर, ठीक है। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर कौन सा स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि देखो किस तरह से होता है यहाँ पर। इस तरह से आपको पता है कि जो ड्यूडेनम है वो इस तरह से यहाँ पर सी शेप स्ट्रक्चर बनाती है, और इससे इस तरह से क्या लगा हुआ होता है, पैनक्रिया लगा हुआ होता है, और ये पैनक्रिया के अंदर पैनक्रिया की क्या होती है, अपनी डक्ट होती है। लीवर से आ रही होती है हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब मिल जाती है किसके साथ, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ में, ठीक है। ये तो क्या है, ड्यूडेनम, ये क्या है, पैनक्रियास, ठीक है। यहां से कौन आ रही है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब ये पोर्शन है ना, यहां पर जब ये दोनों मिल गई तो ये जो है ये किस नाम से जानी जाएगी, अब हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिंदी में नाम दे देंगे, हेपेटो वर्ड मतलब यकृत, पैनक्रिया मतलब अग्नाशय, तो यकृत अग्नाशयी नलिका। अब किसके द्वारा संरक्षित होती है, तो यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा स्पिंक्टर यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको डिटेलिंग में देखेंगे तो यहां पर एम्पूला पार्ट होता है, ठीक है, और स्पिंक्टर जो इसको गार्ड करता है वो कौन सा वाला होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, ओडी की अवरोधनी, कौन किसकी अवरोधनी, ओडी की। तो बाकी का पाइलोरिक होगा नहीं, इलियोसिकल होगा नहीं, कार्डिक होगा नहीं। सही आंसर कहां मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन ओडी। ओडी कार नहीं है यहां पर, स्पिंक्टर है, ठीक है, कुछ को बता रहा हूं मैं, बाकी तो समझ ही गए कि ओडी कौन है। नेक्स्ट चलिए, एंटेरोकाइनेस के एब्सेंस में किसका डाइजेशन प्रभावित होगा या अफेक्टेड होगा। याद करो एंटेरोकाइनेस किसको एक्टिवेट कर रहा है, ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो एंटेरोकाइनेस नहीं है, ट्रिप्सिन नहीं है, ट्रिप्सिन नहीं है तो आगे के जो एंजाइम्स हैं वो भी एक्टिव नहीं होंगे। तो बस अब हमें यही ऑप्शन यहां पर सेलेक्ट करना है कि प्रोटीन कौन सा दे रखा है। माल्टोज प्रोटीन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है माल्टोज प्रोटीन। स्टार्च प्रोटीन है क्या, नहीं है। अमीनो एसिड प्रोटीन है क्या, नहीं है। कंपोनेंट जरूर है अमीनो एसिड प्रोटीन के, बट प्रोटीन नहीं है। जब ये अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तब प्रोटीन बनेगा। तो बस क्या दे रखा है, प्रोटीन, एल्बुमिन, एल्बुमिन आ गया। तो
तो बस थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया कि भैया अगर हम लोग हमारा एंटेरोकाइनेज नहीं आए, एब्सेंस हो जाए, उसकी अनुपस्थिति हो जाए, तो उसकी वजह से ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में नहीं बदलेगा और आगे के जो एक्टिवेशन है प्रोटीन्स का वो नहीं होगा। तो फाइनली कौन अफेक्ट होगा? प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो इसकी वजह से क्या होगा? अफेक्ट होगा। बात आई समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेरी गुड। मुझे पक्का विश्वास है कि आपके सभी के क्वेश्चंस यहां तक सही हुए होंगे। ठीक है, कोई ऐसा है क्या जिसके गलत हुए हैं? चलो, एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एसेसरी सहायक अंग, किसके? पाचन तंत्र के सहायक अंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन। कौन कौन से हैं? यानी कि जिनमें फिजिकली कोई डाइजेशन नहीं हो रहा हो बट वो मदद कर रहे हो, कोई एंजाइम बना करके, कोई सब्सटेंस बना करके। तो मेन देखें हम, जो लार ग्रंथियां हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रिया हो गया, ये सारे के सारे डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। तो हम इसे किस कैटेगरी में रख सकते हैं? एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की कैटेगरी में। पैनक्रिया और लीवर ओनली गलत हो गया, ओनली लगती गलत हो गया। स्टोमक एंड ड्यूडोनम ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि ये तो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ईसोफेगस आ गया, गलत हो गया। पैनक्रिया, लीवर एंड सलाइवरी ग्लैंड। अब आपको इनमें से अगर ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो कौन सा करोगे? ऑब्वियसली थर्ड करोगे, अग्नाशय, यकृत और लार ग्रंथियां। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द फोर स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन ऑर्डर। जो भोजन की प्रक्रिया है उसका सही क्रम क्या है? खाने की चीज पड़ी हो आसपास, उसे एक बार खाओ, क्या होगा? सबसे पहला प्रोसेस इंजेशन, आपने उसको इंजेस्ट कर लिया, वो गई आपके एलिमेंट्री कैनाल में, क्या हुआ अब उसका? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद स्वांगीकरण होता है, जैसे हिंदी में स्वांगीकरण और इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, बट क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा की पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसका क्या होगा? अब एलिमिनेशन। तो सही ऑर्डर क्या हो गया? इंजेशन से स्टार्टिंग होगी ऑर्डर की, तो ये तो गलत हो गया। इंजेशन के बाद इसने एब्जॉर्प्शन लिख दिया तो गलत हो गया। इंजेशन डाइजेशन सही है यहां तक, एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन सेकंड मुझे सही लग रहा है, फिर भी मैं पढ़ लेता हूं। इंजेशन बिल्कुल ही नहीं, डाइजेशन तो कर लिया, अब उसको निकाल दोगे तो फिर क्या एब्जॉर्ब करोगे तुमने? फिर खाया ही क्यों था वो? फोर्थ गलत हो गया ना। बस सेकंड ऑप्शन जो है आपका क्या है? एकदम सही जवाब है। चले आगे, कंफ्यूजन कोई? नेक्स्ट। ये भैया बहुत फेमस डायग्राम हमारी एनसीईआरटी का, ऐसे क्वेश्चंस का ट्रिक कुछ भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में भी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं। पहले हमें एनसीईआरटी का डायग्राम जो हमने पढ़ा है वो अपने दिमाग में लाना है और डायग्राम की लेबलिंग करनी है। ए क्या है? देखो फेरिंग्स हो गया, ठीक है। ए क्या हो गया बच्चों? यहां पर बताओ, ग्रसिका हुआ या ग्रसनी हुआ? ए क्या हो गया यहां पर? ग्रसनी, ठीक है। फिर पहले इंग्लिश की लेबलिंग कर लेते हैं। डी देखो गौर से, डी किसको शो कर रहा है? गॉल ब्लैडर को, ठीक है। डी क्या है? गॉल ब्लैडर। बी क्या है? ये देखो सी शेप। बी क्या है? ड्यूडेनम। और सी क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। बस अब आपको इसमें से सही ऑप्शन यहां पर क्या करने हैं? सेलेक्ट करने हैं। ग्रसनी, पित्ताशय, ग्रहणी और परिशेषिका, या फिर अपेंडिक्स भी हम उसे कह सकते हैं। तो देखो ए पर फेरिंग्स बता रहा है भैया, सही बात है क्या? ए पर फेरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। बी पर क्या बता रहा है? ड्यूडोनम। बी पर ड्यूडोनम है, बिल्कुल सही बात है। सी पर गॉल ब्लैडर बता दिया, गलत हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह से देखोगे तो वही है ऑप्शंस, ग्रसनी, ग्रहणी, पित्ताशय बता दिया तो गलत हो गया। सी पर तो अपेंडिक्स आना चाहिए था। ए पर फेरिंग्स बता रहा है, सही है। बी पर अपेंडिक्स थोड़ी है, गलत हो गया। बी पर परिशेषिका थोड़ी है, पी पर तो क्या है? ग्रहणी है। थर्ड, ए पर ड्यूडोनम, बी पर अपेंडिक्स, सही है क्या? सही। बी पर क्या बता रहा है? फेरिंग्स बता रहा है,
देखो बी पर क्या बता रहा है, फेरिंग्स, सही बात है। सी पर अपेंडिक्स बता रहे, डी पर गॉल ब्लेडर बता रहे, ए पर ग्रहणी, बी पर ग्रसनी, ठीक है, ए पर ग्रहणी, ओके ओके, ये भी गलत हो गया ना। ए पर थर्ड ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, ए पर ड्यूडेनम, ए पर तो क्या आनी चाहिए बल्कि फेरिंग्स, बी पर ड्यूडेनम, ए पर फेरिंग्स, ए पर फेरिंग्स, बी पर ड्यूडेनम, सी पर गॉलब्लैडर, तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ए पर फेरिंग्स, बी पर ड्यूडेनम, सी पर अपेंडिक्स और डी पर गॉलब्लैडर, ठीक है, ये हमारा सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ए पर फेरिंग्स है, ये रहा ए पर फेरिंग्स, बी पर ड्यूडेनम है, ये रहा सी पर अपेंडिक्स है, डी पर गॉलब्लैडर है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों वो एकदम आपका सही हो गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक। नेक्स्ट, इफ इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर्स मिल्क, देखो बहुत ही दिलचस्प सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल चलता है, और मुझसे तो ये सवाल है ना नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोगों ने कई बार पूछा है, ठीक है, और शायद आपसे भी पूछा होगा किसी ने, क्या बोल रहा है, बड़ा ही दिलचस्प है कि हम डिफरेंट डिफरेंट रंग के खाने खाते हैं बट वो सब एलिमिनेशन के बाद एक ही कलर का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। इस चीज को ये इस तरह से कह रहा है कि एक नवजात जो है वो पूर्णतः माता के दुग्ध का ही पान करता है, यानी कि एक इन्फेंट है जो मदर मिल्क के ऊपर फीड कर रहा है, मदर मिल्क का कलर तो व्हाइट है बट उसने जो एक्सक्रीट किया या जो उसने बेसिकली उसकी जो फीसेज हैं, ठीक है, उसका जो मल है उसका रंग कैसा हो गया, पीला, तो मल के पीले रंग का कारण क्या है, यानी पूरी कहानी ये जनरली ये पूछना चाहता है आपसे कि यानी कि जो येलो कलर जो है वो किसके कारण है, ठीक है, जो स्टूल है उनका येलो कारण किसके कारण है, तो देखो किसके कारण है भैया, इंटेस्टाइन के जूस का कोई रोल है क्या, नहीं है। कौन है यहां पर येलोइश कलर कौन देता है, लीवर से आने वाले, कौन आने वाले, पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट जो आ रहे हैं ना बाइल में, उनके कारण जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो मल के रूप में या स्टूल्स जो हैं बाहर निकलते हैं तो उनका कलर येलोइश जो है वो इस कारण रहता है, किसके कारण, पित्त वर्णकों के कारण, बाकी के थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया सीक्रेट्स, अग्नाशय का बाह्य स्त्रावी भाग, इतना तो आपको पता है ना कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है जिसमें अंतःस्त्रावी भाग भी है बहिस्त्रावी भी है, बहिस्त्रावी जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट हो, क्या बनाए, एंजाइम्स बनाए, अंतःस्त्रावी जिसमें नलिकाएं या डक्ट्स अनुपस्थित हो, क्या बनाए, हार्मोन बनाए, हमसे किसके रिगार्डिंग पूछा है, बहिस्त्रावी, तो आंसर क्या चला जाएगा, देखो क्या स्त्रावित करेगा, ग्लूकागोन तो हार्मोन हो गया, सोमेटोस्टैटिन भी नहीं होगा, गैस्ट्रिन भी हार्मोन से रिलेटेड हो गया, एंजाइम्स हम कह सकते हैं, हालांकि एग्जैक्टली देखा जाए तो एंजाइम्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें बना रहा है, बट इन चारों ऑप्शन में से वो क्या स्त्रावित कर रहा है, तो क्या आंसर जाएगा करेक्ट, एंजाइम्स बना रहा है, इसी वजह से इसका आंसर क्या गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चित्र दे रखा है हमें, एक डायग्राम दे रखा है बहुत अच्छा सा एनसीईआरटी का, क्या करना है, तरीका वही, कोई भी डायग्राम का क्वेश्चन आए तो पहले क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ठीक है, देखो ए पर क्या है, गॉल ब्लैडर, ए पर क्या है, गॉल ब्लैडर, हिंदी में क्या बुलाते हैं गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय, ठीक है, बी पर क्या है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ठीक है, डी पर क्या है बच्चों, डी पर पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, सी पर क्या है, डक्ट्स फ्रॉम लीवर, ये सारी की सारी चीजें हैं, इनके आधार पर आप देखो ऑप्शन, ए पर गॉल ब्लैडर आगे पढ़ सकते हैं, बी पर डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर आगे पढ़ सकते हैं, सी पर पैनक्रिया, सी पर पैनक्रिया तो है नहीं, गलत हो गया, ए पर डक्ट फ्रॉम लीवर बता दिया, गलत हो गया, ए पर गॉल ब्लैडर, बी पर डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर सही है, सी पर डक्ट फ्रॉम लीवर सही है,
और डीपर पैनक्रिया। थर्ड ऑप्शन पे हमें सही आंसर मिल गया। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, एपर गॉल ब्लैडर सही दे रखा है यहां तक, तो डीपर डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर थोड़ी है, गलत हो गया। डीपर तो कौन है, पैनक्रिया है, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही आंसर क्या हो गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन हो गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। स्टोमक जे शेप है, सही बात है। स्टोमक में म्यूकस सीक्रेटेड किसके द्वारा होगा, देखा जाए तो देखो किसके द्वारा होगा स्टोमक में म्यूकस सीक्रेटेड, गॉबलेट सेल के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। गॉबलेट सेल्स जो होती हैं कलश कोशिकाएं, वही श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैसल इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो ऑक्सेंटिक सेल द्वारा सीक्रेट किया जाता है या पेराइटल सेल द्वारा, सही बात है। इन स्टोमक ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कहां से आ गया, ट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस का घटक है, आमाशय में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस यहीं पे हमें क्या मिल गया हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट। पूछा भी क्या था, असत्य। ये सत्य और असत्य जो है ना, ये जो क्वेश्चन में सत्य और असत्य आते हैं ना, ये जिंदगी खराब से जिंदगी बना देते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से सीधा आपको झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के लिए आएंगे, और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से सीधा आपको मौलाना आजाद भी पहुंचा सकते हैं। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ये सत्य असत्य सुमेलित है नहीं है, इनको पहले गोला बनाया करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पे ओवर कॉन्फिडेंस में मत चला करो। पेपर सॉल्व करना एक आर्ट है और आपको उसका मास्टर बनना है, पेपर सॉल्यूशन का, कैसे करें हम पेपर सॉल्व नीट का, ठीक है। क्योंकि आता बहुत सारा है, सभी बिल्कुल आजकल के जो पेपर का लेवल है वो लगभग ऐसा है कि आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई किया तो, बट सही तरह से सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, अच्छे से देखना हो गया, धैर्य रखना हो गया, पेशेंस रख करके क्वेश्चन सॉल्व किया करना है आप लोगों को। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो वापस से, वो क्या था, असत्य, ये क्या पूछ लिया, सत्य, तो करेक्ट को क्या कर दो, गोला। जॉइंडिस पीलिया, यकृत प्रभावित होता है, लीवर अफेक्टेड होता है, बिल्कुल होता है सर। स्किन और आईज येल्लो हो जाती है बाइल पिगमेंट के डिपोजिट होने से, बिल्कुल हो जाती है। आंखें और त्वचा पित्त वर्णकों के जमाव होने से पीली हो जाती हैं, सही बात हो गई, हो नहीं हुई, सही बात हो गई भैया, ट्रू। इनकॉन्स्टिपेशन, कब्ज में क्या होता है, मलाशय में मल रुक जाता है, फीसेस रिटेन हो जाते हैं रेक्टम में, और बाउल मूवमेंट रेगुलर, बाउल मूवमेंट क्या हो जाते हैं, इररेगुलर। अब यहां पे तुमने एनसीईआरटी का रट्टा मारा हुआ था और उसने इररेगुलर में से आईआर हटा दिया और क्या छोड़ दिया, केवल रेगुलरली, नियमित हो गया, गलत, गलत हो गया। कैसे होते हैं, इररेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, फॉल्स। वॉमिटिंग में इजेक्शन होता है स्टोमक के कंटेंट्स का माउथ के थ्रू, और रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल की जाती है मेडुला में पाया जाने वाले वॉमिट सेंटर द्वारा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाओ, इनडाइजेशन में क्या है, जो इनडाइजेशन का कॉज है वो क्या है, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, एंग्जाइटी फूड और खाने की जो पॉइजनिंग हो जाती है वो सारा है, तो ये बात भी सही है। तो सही कौन कौन सा हो गया, ए सी डी, तो देखो ए सी डी कहाँ है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन में, ए सी डी हमें मिल जाता है, इसी वजह से आंसर भी क्या गया इसका, फोर्थ ऑप्शन। आगे आ जाओ, सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टाइनल विली अमंग द फॉलोइंग, यानी आंतरीय रसांकुर के लिए सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है, देखो रसांकुर हैं, इनके ऊपर क्या पाई जाती है, ऐसे सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है प्रवर्ध रूपी, जिन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोविली, ठीक है, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सही बात हो गई। वे सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात हो गई। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेसल, क्या हो गई, सही बात हो गई, बिल्कुल सही बात हो गई सर। फोर्थ देखो, दे ओनली पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, वो केवल वसा के पाचन में भाग लेते हैं, किसने कह दिया ऐसा, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ब्रश बॉर्डर सेल्स के सीक्रेशन को ही हमने क्या कहा था, सक्कस एंटेरिकस, और भी यहां पर जो गॉबलेट सेल्स हैं वो क्या करेंगी, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगी, तो केवल डाइजेशन के, फैट के डाइजेशन में ही पार्टिसिपेट थोड़ी करती हैं, तो गलत हो गया। इसीलिए हमें, देखो नॉट ट्रू पूछा था हमसे, ठीक है, सही नहीं पूछा था, गलत पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन इज दी रॉन्ग आंसर, इसलिए आंसर भी क्या गया, फोर्थ। आगे आ जाओ, स्टोमक को रिमूव कर दो, ईसोफेगस को सीधा कनेक्ट कर दो ड्यूडोनम से,
ऐसा होता है नॉर्मली, ठीक है, ऐसा होता है। अब हमने क्या किया, यहां से स्टोमक को हटा दिया और इसको सीधा क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, स्टोमक को रिमूव कर दिया, इसको यहां से रिमूव कर दिया। तो बताओ क्या होगा, स्टोमक के कारण देखो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड, नॉट थोड़ी अफेक्टेड होगा, पेप्सिन था उसमें, ठीक है, पेप्सिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो डाइजेशन अफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बोल रहे हैं नॉट अफेक्टेड, तो गलत हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अफेक्टेड, प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा, यही तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का अफेक्टेड होगा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड, नहीं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है, जो माउथ में चल रहा था वो भी बेचारा जाके स्टॉप हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। डाइजेशन ऑफ मैक्सिमम फैट इज नॉट अफेक्टेड, तो ये बात देखो क्या है, डाइजेशन ऑफ मैक्सिमम फैट जो है वो क्या है, बेसिकली नॉट अफेक्टेड, मैक्सिमम फैट का जो डाइजेशन है वो स्टोमक के को हटाने से क्या होगा, बेसिकली अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। देखो इसके अंदर अगर हम देखें ढंग से क्या आंसर बैठेगा हमारा, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में जैसा हमने कहा कि अगर इसोफेगस को हमने डायरेक्टली जोड़ दिया, तो इसोफेगस को हमने डायरेक्टली जोड़ दिया तो यहाँ पर एक तो नॉट नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसके आधार अब देखो इसको ऑप्शन को हम देखते हैं, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड, यानी कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो अफेक्टेड नहीं होगा, तो ये बात सही हो गई या गलत हो गई, गलत हो गई, अफेक्टेड होगा क्योंकि पेप्सिन होता है। सेकंड ऑप्शन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज अफेक्टेड, सही बात है, प्रोटीन का डाइजेशन अफेक्टेड होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड, तो गलत हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमक में नहीं होता, तो बिल्कुल जो है वो अफेक्टेड, डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का ये अफेक्टेड बता रहा है, बल्कि नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको गलत मान लिया। डाइजेशन ऑफ मैक्सिमम फैट इज अफेक्टेड, अधिकतम वसा का पाचन प्रभावित होता है, गलत बात हो गई, वसा का पाचन जो है, अधिकतम वसा का पाचन जो है वो स्टोमक को हटाने से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम वसा का जो पाचन है वो कहां पे होगा बच्चों, अधिकतम वसा का पाचन हम देखें तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और बाइल जूस के कारण पहले उसका इमल्सिफिकेशन होगा, पाइसीकरण होगा, फिर जाकर के अग्नाशयी जो लाइपेज है वो उस पर क्रिया करेगा। तो हमें इसमें से देखें तो सही बात, जो स्टेटमेंट इसके लिए सही बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, कि डाइजेशन जो है किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, यानी प्रोटीन का पाचन क्या होगा बच्चों, प्रभावित होगा। तो पहला हो गया डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड, तो ये गलत हो गया क्योंकि अफेक्टेड तो होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित नहीं होता, तो ये वाली जो बात है ये बात भी हमारी क्या हो गई यहाँ पर, बेसिकली देखा जाए तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज अफेक्टेड, इसको नहीं को हटाओ, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित होता है, तो नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रभावित, तो ये बात भी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। और डाइजेशन ऑफ मैक्सिमम फैट इज अफेक्टेड, अधिकतम वसा का पाचन प्रभावित होता है, नहीं होता बल्कि, तो ये बात भी हमारी गलत हो गई। इसीलिए सही ऑप्शन कौन सा बैठेगा हमारा बच्चों, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक एंड होस्ट सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, बड़ी आंत्र का कौन सा भाग एक छोटी अंधनाल है तथा उसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीवों को आश्रय देता है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है बच्चों, सीकम होता है, ऐसा पार्ट कौन सा है, स्मॉल ब्लाइंड सैक वर्ड आ जाए, ठीक है, छोटी अंधनाल वर्ड आ जाए, तो देखो कौन सा होता है इस तरह का पार्ट, अंधनाल ही होगा, हिंदी में तो बहुत आसानी से लगा देंगे, और इंग्लिश में क्या बुलाते हैं हम लोग उसे, सीकम बुलाते हैं। चले आगे, नेक्स्ट, लार्ज वेराइटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फंक्शन इन, यानी पाचक एंजाइमों की बड़ी विविधता कार्य करती है, तो देखो कहां कार्य करेगी, बड़ी आंत्र में थोड़ी कार्य करेगी, गलत हो गया, ओरल कैविटी में भी ज्यादा एंजाइम्स नहीं है, केवल सलाइवरी अमाइलेज है वो ही काम करता है, गलत हो गया, स्टोमक में भी देखा जाए तो केवल गिन हमारे पास कौन सा एंजाइम बचा, रह दे करके पेप्सिन बचा है, तो बड़ी विविधता नहीं है, तो गलत हो गया। तो सही आंसर कहां हुआ, छोटी आंत्र, क्योंकि पेनक्रिया से बहुत सारे एंजाइम आ रहे हैं, सक्कस एंटेरिकस में एंजाइम्स हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, सही आंसर कौन सा बैठेगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ये तो बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है, सभी का सही हुआ होगा। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, पहला क्या बोल रहा है,
पेनक्रियाज इज नॉट ए मिक्स्ड ग्लैंड, यही स्टेटमेंट गलत है। अग्नाशय तो मिश्रित ग्रंथि है, गलत छांटना है तो गलत यही मिल गया हमें। आगे के पढ़ते हैं, ड्यूडेनम इज ए सी शेप्ड ऑर्गन, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिस्टिक डक्ट किसकी डक्ट है बच्चों, गॉल ब्लैडर की डक्ट है। और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का, तो ये बात भी सही है। ग्रहणी सी आकृति समान अंग है, सिस्टिक नलिका पित्ताशय की नलिका होती है और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही में गलत कथन कौन सा हो गया कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि नहीं है, बल्कि अग्नाशय तो मिश्रित ग्रंथि होता है, मिक्स ग्लैंड होता है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट है और एंडोक्राइन पार्ट है। इसी वजह से हमारा सही आंसर हमें कहां मिला, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ, टीथ ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के दंत कैसे होते हैं? तो देखो मनुष्य के दंत कैसे हैं, थीकोडोंट है, बिल्कुल थीकोडोंट है। थीकोडोंट किनको बोलते हैं, जो किसमें रहे, सॉकेट में रहे, बोनी सॉकेट में अटैच होते हैं मनुष्य के दंत, ठीक है। होमोडोंट नहीं है, होमोडोंट मतलब एक समान थोड़ी है हमारे दांत, इंसाइजर अलग है, कैनाइन अलग है, प्रीमोलर अलग है, तो गलत हो गया। डाइफोडोंट, दो प्रकार के दांतों का पाया जाना, तो देखो दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं दो प्रकार के दांत अगर हम लोग देखें तो, एक तरह से यानी कि जीवन काल में दो प्रकार के दांत आते हैं, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। डाइफोडोंट है यानी द्विबार दंती है, तो सही बात हो गई, यानी गर्त दंती है, द्विबार दंती है। अब ऐसा ऑप्शन हमें कहां दे रखा है जिसमें फर्स्ट और थर्ड आ जाए, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, फोर्थ ऑप्शन हो गया। कंफ्यूजन आ गया, जाओ। लिंक बिटवीन टंग एंड बक्कल फ्लोर, जीभ तथा मुख गुहा के फर्श के मध्य किसका कनेक्शन है, जिसे हम फ्रेनुलम लिंगुआई कहते हैं, इसे हम लिंगुआई फ्रेनुलम भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि लिंगुअल फ्रेनुलम भी हम इसे कह सकते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है जिह्वा फ्रेनुलम, ठीक है, बाकी के आप देखो ये गलत है, सल्कस टर्मिनलिस, इनका कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली हमें यहां पर मिलता है जो जीभ होती है ना, वो जीभ जो हमारी मुख गुहा का फर्श है उससे एक संरचना से जुड़ी हुई रहती है, और संरचना का नाम क्या है बच्चों, फ्रेनुलम लिंगुआई भी हम उसे बोल सकते हैं या लिंगुअल फ्रेनुलम भी बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां तक आप लोगों को, चलो आगे आ जाओ। ब्रूनर ग्लैंड कहां पाई जाती है, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जो ड्यूडोनम है, जो ग्रहणी है, उसके सब म्यूकोसा में या अधश्लेष्मा में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं बच्चों, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडोनम यानी ग्रहणी की सब म्यूकोसा में, बाकी के देखो यहां आमाशय दे दिया, गलत हो गया, यहां ग्रसिका दे दिया, गलत हो गया, यहां ईलियम दे दिया, गलत हो गया। सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ, Which layer of wall of alimentary canal is formed of loose connective tissue containing nerves, blood, lymph vessels? ढीले संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो सबसे बाहर की तरफ की परत आ गई सीरोसा, सीरोसा के बाद आ गई मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के बाद आ गई हमारी सब म्यूकोसा, और फिर अंदर आ गई म्यूकोसा। तो ये जो लेयर है ना, कौन सी वाली, ये जो लेयर है सब म्यूकोसा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अधश्लेष्मिका, ये कैसी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, और इसमें तंत्रिकाएं, रक्त, लसिका वाहिनियां इत्यादि ये सभी पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए सही आंसर कौन सा गया बच्चों, हमारा अधश्लेष्मिका यानी कि सब म्यूकोसा। आगे चले, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन, मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? आपने क्या पढ़ा है, तीन जोड़ी, थ्री पेयर, ठीक है, थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड होती है, पैरोटिड, ठीक है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलरी और सब मैक्सिलरी। तो थ्री पेयर यानी कि थ्री पेयर्ड है, तो थ्री पेयर का मतलब थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री टू जा सिक्स, यानी कितनी हो गई, छह लार ग्रंथियां हैं जो मनुष्य के अंदर क्या होती हैं, पाई जाती है, यानी तीन युग्म में होती हैं, थ्री पेयर में होती हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या गया बच्चों, सिक्स चला गया। आगे आ जाओ, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन, यानी कि जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। देखो ट्रिप्सिन कहां से आ रहा है बच्चों, ट्रिप्सिन किसका पार्ट है, ट्रिप्सिन किससे आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस से, ठीक है, किसकी फॉर्म में आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस से, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, और ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में आ रहा है, और बाद में इसे
एंटेरो जो काइनेज है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एंटेरोकाइनेज ने क्या किया, ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज कर दिया, ट्रिप्सिन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम आंसर देखें बच्चों, तो देखो कौन सा आंसर सही हमारा जाएगा, कौन सा चला जाएगा, ड्यूडोनम तो जाएगा ही। ड्यूडोनम में कैसा मीडियम है, एल्कलाइन यानी क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में ग्रहणी में, तो एसिडिक होता नहीं है, गलत हो गया, और दोनों में स्टोमक दे दिया इसलिए गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो गया, क्षारीय माध्यम होता है ग्रहणी में, तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, चले बच्चों नेक्स्ट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर सम मिनरल्स एंड ड्रग्स, देखो वॉटर की बात कर रहा है, सम मिनरल्स की बात कर रहा है और ड्रग्स की बात कर रहा है। तो एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग हम लोग देखें, इस तरह की जब बात है, इस तरह का जो अवशोषण है, जो एब्जॉर्प्शन होगा, तो बच्चों देखो कहां पे होगा, जल लवण तथा औषधियों का अवशोषण बोला जाए तो किसमें आता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत्र में, जहां पे बात की जाए किसकी, जल की, लवण की और तथा औषधि की बात की जाए तो किसमें आएगा बच्चों, बड़ी आंत्र में। ठीक है, मुख में नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैक्रो का होता है। और स्टोमक के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्टोमक के कंपेरेटिवली अगर वाटर मिनरल और ड्रग दे दे, इस कॉम्बिनेशन में दे दे, तो पिक्यूलरली आपको याद रखना है, एनसीईआरटी साफ तौर पर लिखती है कि इस तरह का एब्जॉर्प्शन किन में होता है, बेसिकली बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में। इसीलिए इसका आंसर क्या गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, लिपिड के एब्जॉर्प्शन के लिए, वसा के अवशोषण के लिए आपको यहां पर गलत कथन का, वापस से वही देखो, असत्य इनकरेक्ट आ गया, ये देखो असत्य कथन की बात हो रही है। तो देखो मिसेल आर फॉर्म्ड इन द कैविटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिसेल्स जो हैं कैविटी में बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, बनते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं इंटेस्टाइनल सेल्स में, बिल्कुल होते हैं। पित्त लवण मदद करते हैं मिसेल के फॉर्मेशन में, बिल्कुल मदद करते हैं। काइलोमाइक्रॉन एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, बिल्कुल गलत बात हो गई, ये किस में एब्जॉर्ब होते हैं, बल्कि लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो देखो ये इस तरह से, ये हमारी एंटेरोसाइट होती है, ठीक है, एंटेरोसाइट के बगल में ये हमारी लैसिटल होती है, लैक्टियल यानी कि बड़ी लसिका वाहिनी, और ये हमारी आंत्र गुहा है। तो यहाँ पर जो हमारे बेसिकली लिपिड्स हैं, तो पहले क्या करते हैं कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल्स का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल्स का। फिर ये जो मिसेल्स जो यहाँ पर जब अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये जो बाइल सॉल्ट हैं ये तो बाहर की तरफ रह जाते हैं, और ये जो हमारी लिपिड्स हैं यानी कि जो फैट्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। फिर अंदर वापस से इनके ऊपर प्रोटीन की एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, और उन्हें क्या बोला जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स। और ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है फिर ये किस में एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फ में, और ये क्या है, लैक्टियल। याद आया आप लोगों को, इस तरह का प्रोसेस आपने पढ़ा था। तो यहां पर इसने काइलोमाइक्रॉन को रक्त में अवशोषित करवा दिया, इसी वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही आंसर हमें गलत ही छांटना था, तो गलत कौन सा मिला हमें, फोर्थ ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। एक डायग्राम हमें दे रखा है, कौन से कार्यों के लिए उत्तरदायी है, ये डायग्राम आपको पता है किसका है, विल्ली का है। तो कौन से फंक्शंस के लिए ये जो है फिगर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, किन कार्यों के लिए ये फिगर क्या है, उत्तरदायी है। तो देखो किन कार्यों के लिए है, ये हमारे सामने विल्ली यहां पर दे रखी है, ये डिक्रीज कर रही है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, गलत बात है, बल्कि ये तो क्या करेगी, बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, तो गलत हो गया। सीक्रेट सक्कस एंटेरिकस आंत्र रस का स्त्राव, बिल्कुल यहां पर देखो जो ब्रश बॉर्डर सेल्स है ना, यहां पर जो ये ब्रश बॉर्डर सेल्स है, ये जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहां पर एक तरीके से सक्कस एंटेरिकस का, या फिर हम क्या कहें जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, बिल्कुल उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बस सही बात हो गई। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, पाचित भोजन को ये क्यों सीक्रेट करेगी, तो गलत हो गया थर्ड ऑप्शन, और बोथ तो आने का सवाल ही नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन में ही बच्चों हमें सही आंसर मिल जाता है, और आंसर भी इसका क्या गया, सेकंड ऑप्शन। आगे आ जाओ, हाउ मेनी टीथ आर मोनोफायोडोंट इन ह्यूमन,
तो हमारे मनुष्य में, ह्यूमंस में, एक बार दंतिक जो दंत हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, एक बार दंतिक दंत कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास कौन से हैं, प्री मोलर, और एक कौन सा है, लास्ट मोलर। ये एक बार दंतिक इसलिए हैं क्योंकि जीवन में एक ही बार आते हैं। अब प्री मोलर कितने होते हैं, मैं फॉर्मूला याद दिलाऊं आपको, 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ये जो सेट है ये किसका है, प्री मोलर का, ठीक है। तो दो प्री मोलर इधर, दो प्री मोलर इधर, दो इधर, दो इधर, तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। और लास्ट मोलर, तो 1 2 3 4, तो दोनों को जोड़ा जाए, 8 + 4 = 12। तो टोटल हमारे पास 12 ऐसे दांत हैं जो क्या है, एक बार दंती हैं, यानी जीवन काल में एक बार आते हैं। इसीलिए आंसर क्या गया बच्चों, इसका 4th ऑप्शन। चलो आगे, सक्कस एंटेरिकस किसको नाम दिया गया है? तो देखो, सक्कस एंटेरिकस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो आंत्र रस है, यानी कि जो आंतरिक रस है, इंटेस्टाइनल जूस है, उसे हमने क्या बोल दिया, सक्कस एंटेरिकस बोल दिया। इसीलिए सही आंसर कौन सा गया, 2nd ऑप्शन। आगे आ जाओ, वॉटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल, जहां शराब की बात आ जाए वहां अवशोषण में आंसर स्टोमक जाएगा, ये दिमाग में आप बिठा लो। एल्कोहल जो है वो शरीर में बहुत तेजी के साथ और सबसे पहले सेगमेंट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टोमक सीधे वहां से एब्जॉर्ब हो जाती है। अवशोषण की बात कर रहा है, तो देखो आंसर कहां चला गया, स्टोमक। और जहां पे मिनरल ड्रग और वाटर आ जाए तब आंसर क्या देना है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, आमाशय, यानी कि स्टोमक। आगे पे आ जाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया है इस तरह के डायग्राम को, एनसीईआरटी का है। तो ए तो देखो किसको शो कर रहा है, ल्यूमन को। ल्यूमन का मतलब ए क्या हो गया यहां पर, बेसिकली गुहा। फिर आप गौर से देखो, ये म्यूकोसा को शो करता है पर नहीं दे रखा, इसने सी पूछा है, तो सी किसको शो कर रहा है, सब म्यूकोसा को। और जो बी है, बी सबसे बाहर का है, इसलिए किसको शो कर रहा है, सीरोसा को। तो बस हमें ये देखना है। तो देखो एबीसी के आधार पर ए कौन हो गया, ल्यूमन, बी कौन हो गया, सीरोसा, सी क्या हो गया, सबम्यूकोसा, गुहिका, सीरोसा, अधिश्लेष्मिका, बिल्कुल सही बात है। यहां पर इसने ए पर म्यूकोसा बोल दिया, गलत हो गया, ए पर ल्यूमन बोल दिया, आगे पढ़ा जा सकता है, बी पर सीरोसा बोल दिया, पर सी पर क्या बोला इसने, म्यूकोसा, जो कि गलत बात हो गई, बल्कि सी पर क्या है, सबम्यूकोसा। ए पर ल्यूमन बोला, बी पर मसल लेयर बोल दिया, बी पर मसल लेयर नहीं है, बी पर कौन है बच्चों, सीरोसा है, बाहर का आवरण है, देखो बाहर की तरफ का आवरण दे रखा है, यहां पर सीरोसा की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट पूछे हैं। तो देखो यहां पे पेप्सिनोजन आ गया, आ गया ना पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन किसका कंपोनेंट है, गैस्ट्रिक जूस का, गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। पेप्सिन आ गया, गलत हो गया, क्योंकि पेप्सिन भी किसका है कंपोनेंट, गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, ये दोनों गलत हो गए। आगे आ जाओ, ट्रिप्सिनोजन सही बात है, काइमोट्रिप्सिनोजन सही बात है, अमाइलेज सही बात है, और न्यूक्लियेज सही बात है। इसी वजह से देखो हमारे सामने सही आंसर कौन सा आ गया, 3rd ऑप्शन जो है बच्चों वो एकदम करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाता है। म्यूकस, पेप्सिन, म्यूकस तो कुछ होता ही नहीं है तो गलत हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, फिजियोलॉजिकल वैल्यू पूछिए, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, दो प्रकार की वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू, थोड़ा सा ही अंतर है पॉइंट्स का। फिजियोलॉजिकल वैल्यू मतलब हमने एक तरह से क्या कर लिया, ऐसे जो इनके पास का इंटीजर था वहां तक हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया, यानी कहने का मतलब ये खाना जब भी ये फूड हमारी बॉडी में जाएगा तो इसका जो अमाउंट हमें एनर्जी देगा वो इसकी क्या हो जाती है, क्रियात्मक मान या फिजियोलॉजिकल वैल्यू हो जाती है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, देखो किस किस की पूछी है, कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है, 4, फैट की कितनी होती है, 9, और प्रोटीन की कितनी होती है, 494, ये आप याद रख सकते हो, 500 में से जब 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 494, ठीक है। तो अब 4 KCL ग्राम, 9, 4, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सही आंसर मिल जाता है, यहां पर 4, इधर 5 आ गया, गलत है, यहां पर पॉइंट्स में आ गई 4, 4, 9, इसने एक्सचेंज कर दिया, तो सही आंसर हमें कहां मिला बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया, ठीक है। आगे आ जाओ,
करेक्ट आपको यहां पर देखना है, देखो गुदा की आंतरिक अवरोधनी मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ एनल कैनाल। तो देखो इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ एनल कैनाल क्या करेगा, ये देखो ओपनिंग ऑफ एम्पुला गलत हो गया, बिटवीन ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर स्टोमक गलत हो गया, गार्डनिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो ये देखो टर्मिनल पार्ट यानी आहार नाल का जो अंतिम भाग जो है वहां पर कौन होगा, गुदा नाल का स्फिंक्टर होगा एनल कैनाल का, उसको नियंत्रित करेगा। इसीलिए ए में क्या आना चाहिए, थर्ड। कार्डिक स्फिंक्टर, तो कार्डिक स्फिंक्टर किस किस के बीच में होता है, जो हमारा आमाशय है जहां पर इसोफेगस आमाशय में जुड़ती है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, किस किस के बीच में, इसोफेगस के बीच में और स्टोमक के बीच में, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक का शुरुआती भाग, तो एंटीरियर पार्ट और इसोफेगस के बीच में है। तो ये देखो कौन से में दे रखा है, फोर्थ। तो यहां पर क्या आ गया, फोर्थ। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी हमने देखा था हेपेटोपैनक्रियाटिक जो डक्ट है उसके लिए भी कई बार आ सकता है और कई बार एम्पुला की बात कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्या हो जाती है, फैल जाती है और उसका फैला हुआ पार्ट क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। तो एम्पुला और ड्यूडोनम ठीक है यहां पर प्रेजेंट होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इलियोसीकल वॉल किस किस के बीच में है, देखो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी यहां पर क्या आएगा, फाइव। और पाइलोरिक स्फिंक्टर किसके बीच में होगा, ड्यूडोनम के बीच में और पोस्टीरियर स्टोमक के बीच में, यानी ग्रहणी व पश्य आमाशय के मध्य कौन सा वाला होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, सही बात है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड, यानी 34152, 34152 नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आप देखो 341 गलत हो गया है, सेकंड भी 34152, थर्ड ऑप्शन पे हमें सही मिल जाएगा, फोर्थ भी गलत हो गया, 35241 दे रखा है। सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, 34152 इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट को हमें कंसिडर करना है और हमें रॉन्ग एंड ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। स्टोमक में हाईएस्ट पीएच बता दिया, गलत भैया, स्टोमक में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कैसा होता है पीएच, आमाशय में कम पीएच होता है, ठीक है। लीवर सीक्रेट लिपिड इमल्सिफायर, यानी कि जो यकृत जिस चीज का स्त्रावण करता है उससे वसा का क्या होता है, पाइसीकरण होता है। तो लीवर सीक्रेट लिपिड इमल्सिफायर बात सही है या गलत है, यकृत में वसा के पाइसी कारक पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं भाई साहब, यकृत में वसा के पाइसी कारक पाए जाते हैं या लीवर यकृत वसा के पाइसी कारकों का क्या करता है, स्त्रावण करता है, ठीक है। यकृत वसा के पाइसी कारकों का क्या करता है, स्त्रावण करता है, या यकृत के स्त्रावण में वसा के पाइसी कारक पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट मैनी एंजाइम्स, गलत बात हो गई, ठीक है। ऑल प्रोटीज फंक्शन इन द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल प्रोटीज यानी समस्त प्रोटीज केवल छोटी आंतरिक गुहा में करते हैं, प्रोटीज बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो फिर भैया पेप्सिन कहां करता है, पेप्सिन स्टोमक में कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों, गलत हो गया ये वाला। तो हमारे सामने अब क्या बचेगा, एफ पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तीसरा वाला फॉल्स है, चौथा वाला फॉल्स है, तो एफ टी एफ एफ, तो देख लो बस एफ टी एफ एफ कहां बैठ रहा है, तो ये देखो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये रहा, ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया, एफ टी एफ एफ। कोई कंफ्यूजन यहां तक, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आप ऐसे लिख दीजिएगा, लिखा हुआ है आपके पेपर में, आइडेंटिफाई करना है हमें टाइप ऑफ टीथ को जो कि डायग्राम में दे रखे हैं, और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है करेक्ट नंबर के साथ, ईच साइड ऑफ द हाफ जॉ ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। दिए गए चित्र में दांतों के प्रकार को पहचानिए तथा मनुष्य के एक तरफ के आधे जबड़ों में इनकी सही संख्या का विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी की लैंग्वेज ये कहती है कि ईच साइड ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ जॉ, ये जो डायग्राम दे रखा है ये क्या है, एक तरफ के आधे ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा हमने, हमने क्या कहा, केवल ईच साइड ऑफ द हाफ जॉ, यानी कि जो हाफ जॉ है उसकी ईच साइड, जैसे हम लोग हाफ जॉ ये माने तो ईच साइड हो गई, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दो काउंट करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है, बट इस तरह के क्वेश्चंस कई बार नीट में आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हम कैसे सही करें, अगर हमें फ्लैट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही तो जो हमारी इंस्टिंक्ट कह रही है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो देखो इसमें कैसे करोगे, ये कौन से हो गए मोलर, ठीक है, ये कौन हो गए
प्रीमोलर, ये कौन से हो गए कैनाइन, और ये कौन से हो गए इंसाइजर। तो इंसाइजर कितने होते हैं, टू, ठीक है। अच्छा डेंटल फॉर्मूला आपको पता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इंसाइजर कितने हो गए दो, कैनाइन कितना हो गया एक, प्रीमोलर कितने हो गए दो, और मोलर कितने हो गए तीन। ये किस तरफ की बात हो रही है, अगर हम एक तरफ की बात करें यानी लोअर की बात करें या अपर की बात करें। हाफ जॉ में हम लोग अगर बात करें, ईच साइड ऑफ द हाफ जॉ, तो इसमें हम दोनों को काउंट यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, अपर और लोअर दोनों को। तो इनको जब हम टोटल करेंगे, जब हम लोग इनको टोटल करेंगे तो देखो टोटल करने पे क्या आंसर आएगा, टोटल करने पे तो तीन नीचे की तरफ के हो गए, तीन ऊपर की तरफ के, तो टोटल कितने हो गए, मोलर कितने हो गए सिक्स। ऐसे ही प्रीमोलर जो है दो नीचे की तरफ के दो ऊपर की तरफ के, तो मोलर कितने हो गए चार। कैनाइन एक नीचे की तरफ का एक ऊपर की तरफ का, तो कितने हो गए दो। और इंसाइजर दो नीचे की तरफ के दो ऊपर की तरफ के, टोटल कितने हो गए फोर। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही बैठ जाएगा। कौन सा वाला, A6, B4, C2 और D4, ठीक है, ईस्ट साइड ऑफ द हाफ जॉ। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में किसके द्वारा किया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, देखो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्जन कौन से प्रोसेसेस के द्वारा किया जाता है। तो देखो मैकेनिकली भी करेंगे, मैकेनिकल में हम लार्ज साइज की जो फूड के जो सब्सटेंसेस हैं उसे मैकेनिकल डाइजेशन करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल साइज के फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। और साथ ही साथ बायोकेमिकली भी करेंगे, जिसमें ये काम कौन करेंगे, एंजाइम्स करेंगे। तो मैकेनिकली भी सही है और बायोकेमिकली भी सही है, इसी वजह से हमारा आंसर क्या गया, बोथ वन एंड टू, वन एंड टू, ठीक है। कौन सा चला गया, बोथ वन एंड टू हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर चला जाएगा। हिंदी में थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर वो है, आपके एग्जाम में सही ऑप्शन आए होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इंग्लिश के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया, तो मैकेनिकली बायोकेमिकली और बोथ वन एंड टू हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर चला जाएगा। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि मैकेनिकली डाइजेशन दांत और जिह्वा के द्वारा, और जठर पथ की जो पेशियां हैं तथा ग्रंथियां हैं बायोकेमिकल डाइजेशन उनके द्वारा, और दोनों पहला इस तरह से सही आंसर जो है हमारा कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। यांत्रिक पाचन भी है, जैव रासायनिक पाचन भी है, ठीक है, और जल अपघटन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण नहीं है पाचन में, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण तो कहां पर जाके होगा, यानी ऑक्सीडेशन कहां पर जाकर होगा, सेल्स के अंदर जाकर के होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए स्ट्रक्चर विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर एंड द इजोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन इनटू इट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक ऐसी संरचना, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो साझा मार्ग की तरह कार्य करता है, किस किस के लिए साझा मार्ग की तरह, भोजन के और किसके, वायु के लिए। तो ऐसी संरचना कौन सी होती है बच्चों, फेरिंग्स होती है, यानी कि ग्रसनी जो है वो क्या है, कॉमन है, किसके लिए, फूड के लिए भी कॉमन है और किसके लिए, एयर के लिए भी कॉमन है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक स्कीम हमें यहां पर दी गई है, देखिए है ना, एक स्कीम हमें दी गई है। पहले तो हमें यहां पर ए बी सी डी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है, स्टार्च का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा, अमाइलेज। तो ए पर कौन आएगा बच्चों, एमाइलेज आएगा, ठीक है। लैक्टोज को यहां पर बदलने के लिए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करता है, लैक्टेज। सी पर माल्टोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, माल्टेज। और सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा, इनवर्टेज। बस यही हमें देखना है, यानी ए पर अमाइलेज, बी पर माल्टेज आ गया गलत हो गया, बी पर माल्टेज आ गया गलत हो गया, बी पर इन्वर्टेज आ गया गलत हो गया, बल्कि बी पर कौन आना चाहिए था, बी पर कौन है, लैक्टेज। तो ए पर अमाइलेज, बी पर लैक्टेज, सी पर माल्टेज और डी पर इन्वर्टेज। तो सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये देखो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया बच्चों, सही ऑप्शन हो गया। कोई कंफ्यूजन यहां तक आ गया। गैस्ट्रिक जूस को कौन सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय। तो देखो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कौन करेगा,
गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि कहां पे पाई जाती हैं, स्टोमक की वॉल में पाई जाती हैं। तो बस हमसे सिंपल पूछा है कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कौन करेगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है यानी जठर रस का स्त्रावण कौन करेगा, जठर ग्रंथियां जो है वो जठर रस का क्या करेंगी, स्त्रावण करेंगी। आगे आ जाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आप और आपका दोस्त बैठ करके खाना खा रहे हैं एक टेबल के ऊपर, फिर क्या हो, एकदम से क्या हो, आप जब किसी चीज को निगल रहे हो तो एकदम से खांसी आने लग जाए, तो क्या हुआ है, किसका इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ है। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम भोजन को निगलते हैं, फूड को सॉलो करते हैं, तो उस दौरान जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, हमारी ट्रेकिया को कवर कर देता है, ताकि जो फूड है वो किस में जाए, इसोफेगस में जाए। बट अब आपको खांसी आ रही है, तो मतलब एपिग्लॉटिस का इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो फूड का कुछ पार्ट आपके किस में चला गया, ट्रेकिया में चला गया, और इसी वजह से आपको क्या हुई, कफिंग हुई। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा सही आंसर, एपिग्लॉटिस इज द करेक्ट आंसर, जिसके मूवमेंट की वजह से या जिसके प्रॉपर मूवमेंट के नहीं होने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम आई है। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक तरह से किसका फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, और मतलब क्या होगा, देखो इसका जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन है इसका क्या, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन हो किसमें, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, प्रोसेस जिसमें ग्लाइकोजन किसमें टूटती है, ग्लूकोज के अंदर टूटती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस वर्ड लग गया, लाइसिस का मतलब ही क्या होता है, टूटना। कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू ग्लाइकोजन, नहीं, इसमें तो क्या, कौन सा शब्द लगता, जेनेसिस वर्ड लगता। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, ये भी है, इसे तो हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इंटू शुगर, ग्लाइकोजन का शर्करा में रूपांतरण, तो ये हमारी एग्जैक्ट सही बात है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा बच्चों, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे आ जाओ, एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट नहीं होता, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा है। ये तीन तरह के देखिए एंजाइम है यहां पर, तो देखो माल्टेज प्रेजेंट होगा बिल्कुल, न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होगा, लाइपेज भी प्रेजेंट होता है, बट न्यूक्लियस नहीं होता। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जैसे कि कौन, डीएनएज, और कौन, आरएनएज, ये डीएनएज और आरएनएज जो है, जो कि ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये क्या है, न्यूक्लियसेस है, ये न्यूक्लियसेस किस में प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में। ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए का और आरएनए का क्या करते हैं, बेसिकली देखो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊं, जो न्यूक्लिक एसिड है ये किसके पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड से ये किस में ब्रेक डाउन होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में। तो बस ध्यान रखना, जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक डाउन करे वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करे वो कौन से होते हैं, वो वाले एंजाइम कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइडेज, और जो न्यूक्लियोसाइड्स को यहां पर किसमें, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस में तोड़े वो वाले कौन से होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है, यानी कि क्या बात आई समझ में। तो कौन सा नहीं होता सक्कस एंटेरिकस में, न्यूक्लियस नहीं होते, इसी वजह से आंसर कौन सा गया बच्चों, हमारा सेकंड ऑप्शन चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, इनिशियल स्टेप डाइजेशन ऑफ मिल्क ह्यूमंस के अंदर, यानी कि मानव में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया कौन सी है, तो इनिशियल स्टेप देखो कौन करता है मिल्क का ह्यूमन के अंदर, तो इनिशियल स्टेप कौन करेगा यहाँ पर। अब इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें इन्फेंट नहीं पूछा, मान लो इन्फेंट यहाँ पर क्या है, नहीं पूछा अगर हमसे, तो आपको सही ऑप्शन अगर अब इसमें से सिलेक्ट करना हो, देन हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, अगर रेनिन आ जाए, अगर बच्चों रेनिन आ जाए
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली उसे सेलेक्ट करेंगे। तो रेनिन आ जाए तो यहाँ पर हम इस तरीके से कर देते हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स कर देते हैं इसको, है ना, ह्यूमन इन्फेंट्स यानी कि मानव शिशु, यानी कि ये क्या हो गया, मानव शिशु। मानव शिशु में पूछा जाए दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया कौन करेगा, रेनिन करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। विच हॉर्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। ये देखो, ये क्वेश्चन काफी इसलिए इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केमिकल कोऑर्डिनेशन पे यहाँ पर जीआई ट्रैक को क्या किया गया है, लिंक किया गया है। तो देखो, कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो अग्नाशय रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को क्या करते हैं, बेसिकली उद्दीपित करते हैं, यानी पैनक्रियाटिक जूस और बायोकार्बोनेट के सिक्रेशन को जो स्टिमुलेट करेंगे, ऐसे हार्मोन कौन से होंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, पहला देखो गैस्ट्रिन और इंसुलिन आ गया, तो ये बात यहाँ पे क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट देखो, कॉलीसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन और सीक्रेटिन जो है वो इस तरह का काम करता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है, प्रॉपर वर्ड जो है, तो बेटा इसी की यूनिट है। कॉलीसिस्टोकाइनिन को हम सीसी के पीजेड बुलाते हैं, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। एग्जैक्ट वर्ड क्या बुलाया जा सकता है इसको, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन वर्ड हम इसको यूज करते हैं। तो इसी की यूनिट होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करता है, और जो सीक्रेटिन है वो बाइकार्बोनेट जो है उनके सीक्रेशन में क्या करवाता है, मदद करवाता है। इसीलिए सही आंसर हमारा कौन सा गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। बाकी इंसुलिन ग्लूकागोन का कोई रोल नहीं है, एंजियोटेंसिनोजन और एपिनेफ्रिन का भी कोई रोल नहीं है, इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे आ जाओ, व्हिच सेल्स ऑफ द क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम। तो कौन सी ऐसी सेल्स हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून की जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम का सीक्रेशन करती है। तो देखो, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून कहां है, ये जो हम लोगों ने इंटेस्टाइनल विली देखी थी, तो उनके बीच की ये जो क्रिप्ट्स थे, इन क्रिप्ट्स को हमने क्या कहा था, इन क्रिप्ट्स को हमने क्या कहा था, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर खून कहा था, ठीक है। और ये क्रिप्ट्स ऑफ लीबर खून क्या कर रहे थे, एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम का सीक्रेशन कर रहे थे। तो इनमें कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं बेटा, इनमें कौन सी सेल्स होती हैं, पेनिथ सेल, कौन सी सेल्स होती हैं, पेनिथ सेल्स। ये पेनिथ सेल्स क्या करती हैं, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोसोम का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया फूड में आ जाए उनका क्या हो जाता है, बेसिकली उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो सही आंसर कौन सा जाएगा बच्चों, यहाँ पर पेनिथ कोशिकाएं जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलें आगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू डेंटल चेकअप, द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 टीथ, विच टीथ वर एब्सेंट। 20 दांत हैं, तो 20 टीथ एक बच्चे के दांत अगर बच्चे में पाए जा रहे हैं तो कौन से टीथ एब्सेंट मिलेंगे। देखो बच्चा है, वो चाइल्ड की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली उसमें कैसे टीथ होंगे, टेम्पररी टीथ वहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो जो टेम्पररी प्ले स्कूल में पढ़ता है, देखो प्ले स्कूल में है यानी 3-4 साल का बच्चा है, तो टेम्पररी टीथ हमें मिलेंगे। तो जब टेम्पररी टीथ मिलेंगे तो क्या नहीं मिलेंगे बच्चों हमें, देखो कैनाइंस मिलेंगे, मोलर्स मिलेंगे। माना कि जो थर्ड मोलर है वो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैसा है, मोनोफायोडोंट है, पर मोलर तो मिलेंगे, इंसाइजर भी मिलेंगे, बट प्री मोलर हमें प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, यानी कि जो अग्र चवर्णक है वो अनुपस्थित होंगे। इसलिए आंसर कौन सा चला गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। तो देखो इरिथ्रोपोइसिस किसको कहते हैं हम लोग, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से बेटा क्या होता है, आरबीसी का क्या करवाना, प्रोडक्शन करवाना, यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, इरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। तो कौन से सेल्स हैं गैस्ट्रिक जूस के,
या मैं कहूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो इनडायरेक्टली मदद करते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में बेटा हमें विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन B12 की। तो जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करे वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किस में मदद कर रहे हैं? इरिथ्रोपोइसिस में मदद कर रहे हैं। तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करने वाली जो सेल्स हैं वो, अच्छा इसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इसके लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट होगी? इंट्रिंसिक कैसल फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। और इसको बनाता कौन है? हम देख चुके हैं इसको कौन बना रहा है, ऑक्सेंट्रिक सेल भी बना रही थी और कौन सी सेल बना रही थी बेटा? पैराइटल सेल्स भी बना रही थी, दोनों एक ही बात थी, है ना। तो देख लो बस हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो गॉबलेट सेल नहीं होगा, पैराइटल सेल बिल्कुल सही बात है, आगे के ऑप्शन बैठ देखने ही नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो गया बेटा हमारा यहाँ पर? सही आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पर? पैराइटल सेल। इसको एग्जैक्टली में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? पैराइटल कोशिकाएं, ठीक है, पैराइटल कोशिकाएं इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटेशन, यानी मानव के दंत विन्यास को बताने वाली या समझाने वाली कौन सी ऐसी टर्म्स हैं? तो देखो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं बेसिकली अगर हम लोग देखें मानव के दंत विन्यास को समझाने वाली, तो हमारे जो मतलब हमारे जो दांत हैं वो बोनी सॉकेट में फिट रहते हैं, और जब बोनी सॉकेट में फिट रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? थीकोडोंट। तो बस थीकोडोंट पहला तो हमने ये देख लिया। फिर दो बार दांत आते हैं, पहले टेम्पररी और फिर परमानेंट, तो क्या हो गया? डायफोडोंट, डायफायोडोंट। और कैसे दांत हैं? दो तरह के दांत हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के दांत हैं जिन जो शेप्स में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अलग अलग हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चार तरह के हमारे पास दांत हैं। तो ये इसके आधार पर कौन सा हो गया? हेटेरोडोंट। तो मानव के दंत विन्यास के अकॉर्डिंग सही कौन सा कथन हो गया? गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती। तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा गया 59 में बच्चों? थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाओ, आइडेंटिफाई दी सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. यानी हमें उन cells को identify करना है जो हमारे GI tract की lining को save कर रही है, किससे? जो different secretions हो रहे हैं उनसे save कर रही है। तो बेटा ऐसी कौन सी cells है, ध्यान से देखो, हमें किस चीज़ की requirement है अपनी intestinal जो हमारा GI tract है उसकी lining को save करने के लिए किसकी requirement होगी? हमें requirement होगी बच्चों किस चीज़ की? mucus की। और म्यूकस को बनाने वाली सेल्स कौन सी होती हैं? गॉबलेट सेल्स। यानी कि कौन सी सेल्स होती हैं? कलश कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स। तो सही आंसर कौन सा चला गया बच्चों? फोर्थ ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए आगे देखेंगे। यहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस थे, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। प्रेशर विद इन लंग्स, फुफ्फुस के अंदर का दाब क्या कहलाता है? इसमें केवल एक ही चीज का कंफ्यूजन होगा, इंट्रा और इंटर का। तो ध्यान रखिए फुफ्फुस के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर पूछ रहा है। अगर बीच में पूछे तो इंटर वर्ड यूज होता है, और किसी चीज के अंदर पूछे तो इंट्रा यूज होता है। जैसे कि दो देशों के बीच में क्रिकेट का मैच होता है, तो दो देशों के बीच में क्रिकेट का मैच होता है तो हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मैच है, इंटरनेशनल मैच है। तो इंटर वर्ड कब यूज होगा? जब दो चीजों के बीच में बात हो रही हो। और इंट्रा कब यूज होगा? जब किसी के अंदर बात हो रही हो। तो फुफ्फुस के अंदर का दाब क्या कहलाएगा? इंटरपल्मोनरी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहलाएगा, यानी अंतरा फुफ्फुसीय दाब कहलाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। आगे आ जाओ, द अप्रोक्सीमेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन हेल्थी ह्यूमन लंग एल्वुलाई, यानी कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लगभग आंशिक दाब का जो क्रम है किसके अंदर बोल रहा है बेटा? कूपिकाओं के अंदर यानी एल्वुलाई के अंदर आपसे पूछ रहा है। तो देखो एल्वुलाई के अंदर जब हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेट पार्शियल प्रेशर किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखो एटमॉस्फेयर में तो कितना है? 159.3। ये कौन सा वाला दे रखा है ऑप्शन हमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, ये एटमॉस्फेरिक है, वायुमंडलीय दाब दे रखा है। हमसे किसमें पूछा है? हमसे पूछा है किसके अंदर? एल्वियोलाई में पूछा है। हमसे किसमें पूछा है? एल्वियोलाई में पूछा है। तो एल्वियोलाई में क्या होगा, कितना हो जाएगा? देखो 104 और 40 mmHg,
फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको क्या मिल गया, सही आंसर मिल गया। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg और CO2 का कितना हो जाएगा 40 mmHg। आगे आ जाओ, करेक्ट पूछा है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय CO2, गलत बात हो गई, फॉल्स हो गया, बल्कि अफेक्टेड होते हैं CO2 के कारण, यानी कि जो श्वसन केंद्र है वो CO2 द्वारा प्रभावित नहीं होते, गलत बात है, बल्कि वो तो प्रभावित होंगे। आगे आ जाओ, इन ह्यूमंस वाइटल कैपेसिटी इज द जस्ट डबल द एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। देखो जो वाइटल कैपेसिटी है वो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम की जस्ट डबल बता रहा है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितनी है, लगभग 1000 से 1100, डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2200, या फिर कितना हो जाएगा 2000। तो वाइटल कैपेसिटी इतनी थोड़ी होती है, वाइटल कैपेसिटी में तो सब ऐड हो जाते हैं, तो ये बात भी क्या हो गई बच्चों, गलत हो जाती है। ठीक है, अब ह्यूमंस में 10^3 यानी कि 1, 2, 3, क्या ह्यूमंस में इतनी ही एल्वुलाई है क्या, इतनी थोड़ी है, बहुत ज्यादा एल्वुलाई है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग्स एक्ट एज ए सक्शन पंप, अंत श्वसन के दौरान फुफ्फुस चूसक पंप के द्वारा समान कार्य करते, बिल्कुल करते, अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और बाहर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सक कर लेते हैं वो, बाहर से वायु जो है वो उनके अंदर आ जाती है, किसमें आ जाती है, लंग्स में आ जाती है। तो इसीलिए सही ऑप्शन जो 63 में बैठेगा वो कंपैरेटिवली कौन सा सही होगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज कंपैरेटिवली मोर करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिवेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे रोकती है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है बच्चों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है, परमानेंट बॉन्ड बना लेती है, क्या बना लेती है, परमानेंट बॉन्ड, और परमानेंट बॉन्ड बना तो कैसा कंपाउंड बनेगा, शिट क्या बना लिया इसने, परमानेंट बॉन्डिंग होगी, और परमानेंट बॉन्डिंग हुई तो कैसा कंपाउंड बना, स्टेबल कंपाउंड, कैसा कंपाउंड बन गया, स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है, और वो स्टेबल कंपाउंड कौन सा बना इसके कारण, HBCO। तो हीमोग्लोबिन फ्री बचता ही नहीं है, तो पहले में क्या बोल रहा है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके, आरबीसी को नष्ट करके, गलत बात हो गई, आरबीसी को नष्ट करके थोड़ी करती है, हीमोग्लोबिन को नष्ट करके, नष्ट नहीं करती हीमोग्लोबिन को, नष्ट थोड़ी कर रही है, गलत हो गया। कार्बन ऑक्साइड विथ फॉर्मिंग कार्बोनोडॉक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर, ये तो बिल्कुल ही नहीं बैठेगा, गलत हो गई। ठीक है, क्या है, स्टेबल कंपाउंड, हीमोग्लोबिन के साथ क्या बना लिया बच्चों, स्टेबल कंपाउंड बना लिया, इसी वजह से क्या हो रहा है कि इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट था उसे क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। आगे आ जाओ, आगे देखो, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चंस का देखो ये क्यों डाला है मैंने, ये क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि हम क्या कर सके, एक तरह से ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन कर सके। क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या करो, आपसे पूछा है कि इस तरफ तो आपको दे रखी है HB सैचुरेशन की परसेंटेज, और इस तरफ क्या दे रखा है, PO2 दे रखा है। अब आपसे ये पूछे हैं कि 3, 2, 1 क्या क्या हो सकता है, तो पहले तो इनमें देखो कि पार्शियल प्रेशर और HB सैचुरेशन क्या है, तो ऐसे में इनको क्या कर लो, आप एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंड करवा लो, ये आपने ऐसे एक्सटेंड करवा लिया। ठीक है, अब ये 1, 2, 3, 1, 2 और 3, अब आप खुद देखो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा, अगर आप इस तरफ बढ़ोगे जीरो से तो राइज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका है, 3 का, फिर किसका कम है, 2 का, फिर किसका कम है, 1 का, सबसे ज्यादा सैचुरेशन किसका है, सबसे ज्यादा सैचुरेशन किसका है बच्चों, 3 का, फिर किसका है, 1 का, सॉरी 2 का, और फिर किसका है, 1 का। तो सबसे ज्यादा HB सैचुरेशन और सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का किस में मिल सकता है हमें, हमें देखो किस में मिलेगा, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आए, ऐसी स्ट्रक्चर कौन सी है हमारे पास तीनों ऑप्शन में से, फुफ्फुसीय शीरा या फिर पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन को कौन सा नंबर मिलना चाहिए, 3rd नंबर मिलना चाहिए, फुफ्फुसीय शीरा को कौन सा मिलना चाहिए, 3rd नंबर, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर है और सबसे ज्यादा HB सैचुरेशन मिलेगा। उसके बाद आ जाओ, सेकंड नंबर थोड़ा सा कम, तो कौन हो सकता है वो, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि पल्मोनरी वेन कहां पे लेकर के आएगी, राइट कहां पे लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वहां पर थोड़ा सा कम मान लेते हैं।
तो फिर सेकंड नंबर किसको मिलना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल को बिल्कुल मिल गया। और सबसे कम किस में मिलेगा? सबसे कम किस में मिलेगा? वेना केवा में, क्योंकि ये कौन सा ब्लड ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड। तो इसको कौन सा नंबर मिल गया? 1। तो बस देख लो 2, 3, 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चले आगे। चलो अब ये हमें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ए प्लस एच टू ओ, ठीक है, बी एच टू सी ओ थ्री, यहां पर सी दे दिया, एच सी ओ थ्री माइनस प्लस डी। अब आपसे क्या पूछा है? ए पूछा है, बी पूछा है, सी पूछा है, और क्या पूछा है? डी। तो देखो एच टू ओ के साथ कौन रिएक्शन करेगा? करेगी सीओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन करी, किसकी प्रेजेंस में करेगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में करेगी। क्या बना? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का डिसोसिएशन होगा, तो इसमें भी कौन मदद करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस मदद करेगा। और डिसोसिएशन किस में होगा? HCO3 प्लस H प्लस के फॉर्म में होगा, यही होगा। तो बस A पर CO2 ढूंढो। देखो A पर CO2 फर्स्ट में दे रखा है, B पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस सही है, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज दे दिया, कार्बोनिक डिहाइड्रोजिनेज दे दिया, मतलब कि गलत हो गया, डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता, क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। A पर CO दे दिया, ठीक है, ये CO2 है, A पर CO2 दे दिया, ठीक है, ये डिहाइड्रोजिनेज आ गया, तो गलत हो गया था, A पर CO2, B पर देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज सही बात है, C पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज सही बात है, और D पर क्या है? H प्लस। A पर CO2, B पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, C पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और D पर H प्लस। A पर CO2, B पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, C पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और D पर क्या हो जाएगा? H प्लस। बाकी इधर NH3 दे दिया, तो ये गलत हो गया। और ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहां क्या दे दिया? डीहाइड्रोजिनेज दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? डीहाइड्रोजिनेज, बल्कि होता कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। चले आगे, समझ में आ गया। तो सही आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन हैज मोर। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड हार्ट में रिटर्न हो रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड हार्ट में वापस आ रहा है, उसमें हमें क्या ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली बच्चों उसमें क्या ज्यादा होगी? पल्मोनरी वेन कहां से ला रही है? ये लंग्स हैं, ठीक है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके जो हार्ट के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, कौन सा एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम में कौन ला रही है? हमारी पल्मोनरी वेन ला रही है। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पल्मोनरी वेन। इसीलिए इसमें हमें क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? पल्मोनरी वेन में हमें क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन कंटेंट हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखो बस ऑक्सीजन ढूंढ लो, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे आ जाएं, नेक्स्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। हाई PO2 का हाई होना, लो PCO2 का कम होना, H प्लस कंसंट्रेशन का कम होना, और टेम्परेचर का भी क्या होना? कम होना, और हाई pH का क्या होना? हाई होना। ये सारे फेवरेबल हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल फेवरेबल है, पर हमें तो इनकरेक्ट छांटना है, तो ये बात तो सही हो गई। डायफ्राम कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये एंटीरियर एक्सिस, ये पोस्टीरियर। डायफ्राम डोम है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट हो जाएगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गई, तो क्या होगा? ये जो है हमारा सही है। सुक्रोज को सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सही बात है। फैट में लाइपेज ने डाइग्लिसराइड से न्यूक्लियोसाइड, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि न्यूक्लियोसाइड यहां पर क्यों दिया। इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। आगे आ जाओ। मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, यानी अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड किसके रूप में परिवहित होगी, किसके तौर पर उसका ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों? तो किस फॉर्म में होती है अगर बात की जाए?
तो एज ए बायोकार्बोनेट्स के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कितना? अप्रॉक्स 70% जो ट्रांसपोर्ट है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें? बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड की फॉर्म में हम देखें तो लगभग 7% होता है, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के साथ कितना परसेंट होता है? लगभग 20 से 25% होता है। यानी कि ये कितना होगा? 20 से 25%। ये कितना होगा? अप्रॉक्स 7%। और ये कितना होगा? लगभग 70% के आसपास। तो ये एक रॉ डाटा है यहाँ पर किसके CO2 ट्रांसपोर्ट। आगे आ जाओ, कंडीशन सेलेक्ट करनी है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, ट्रिक सिखा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। इधर क्या आएगा? HB सैचुरेशन। इधर क्या आएगा? PO2। ठीक है, इस तरह का नॉर्मल ग्राफ बनता है, सिग्मोइड। ठीक है, अब ये ग्राफ, ये कौन सा एक्सिस है? X। ये कौन सा एक्सिस है? Y। अगर ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो, अगर ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो, वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो सकता है, या फिर किस तरफ शिफ्ट हो सकता है? एक्स एक्सिस की तरफ ये ग्राफ क्या हो सकता है बच्चों? शिफ्ट हो सकता है। अब इस ग्राफ में हमें हर्ट का डायग्राम नहीं लगाना दिमाग में कि ये वाली साइड तो लेफ्ट हो गई और ये वाली साइड क्या होगी? राइट होगी। ये वाई एक्सिस जो है, ऐसे देखो, ये हाथ मेरा जो है, आप भी जब लिखोगे तो वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यानी कि ये किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ जा रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो किस तरफ जा रहा है? राइट की तरफ। तो अब तुम खुद देखो, मैं एक और ग्राफ यहां पर बनाता हूं। मैंने इसको, ये ऐसा था, अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक और ग्राफ यहां बना दिया। इन दोनों पे एक कॉमन पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, यहां पर भी ये पॉइंट कॉमन ले लिया। इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो। अब मुझे खुद बताओ, ये जीरो से वन वैल्यू स्टार्ट होती है, इधर क्या आएगा? ये मतलब जीरो, ठीक है, जीरो से इधर वैल्यू, यानी पी ओ टू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, तो बी पर पी ओ टू ज्यादा है। यानी कि तुम खुद देखो कि जो ग्राफ किस तरफ पी ओ टू ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का, वो किस तरफ ज्यादा होगा उसकी हम बात करें तो देखो, बी पर पी ओ टू ज्यादा है, ए पर पी ओ टू। अब एक चीज तुम खुद देखो कि ज्यादा PO2 के बाद भी, ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होने के बाद भी HB सैचुरेशन क्या है? कम है। PO2 होने के बाद भी HB सैचुरेशन क्या है? ज्यादा है। यानी कि कोई ना कोई फैक्टर यहां पर क्या कर रहा होगा? हीमोग्लोबिन के और ऑक्सीजन के एसोसिएशन को क्या कर रहा होगा? फेवर कर रहा होगा। यानी कि जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का आपस में संयोजन है उसे क्या कर रहा होगा? ये फेवर कर रहा होगा। तो इसी तरह से इस ग्राफ में आप लोग क्या ध्यान रख लीजिए कि लेफ्ट साइड पर वो फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स, देखो समझ में आई ना मेरा कहने का क्या मतलब है? कि अगर हम एक फिक्स पॉइंट पकड़ते हैं, एक इसको इस तरह से और समझो, देखो इसको इस तरह से समझ लो कि ये इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, ये इस तरीके का एक ग्राफ ये है और ये एक ग्राफ है। इसको वन दे दिया नंबर मैंने, इसको टू दे दिया, ठीक है, इसको कितना नंबर दे दिया मैंने? टू दे दिया। यहां पर मैंने कोई भी एक पॉइंट यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है, अब इसको इधर एक्सटेंड कर दो। अब तुम देखो कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो तो क्या है? सेम है, यहां पर सेम है। इस तरफ कौन लिया जाता है? PO2। इधर कौन है? HB परसेंटेज। तो देखो ये तो सेम है। अब बट इस वन वाले में और इस टू वाले में अंतर क्या है कि इसमें इस सेम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर HB परसेंटेज जो है वो क्या है? कम है, और इधर HB परसेंटेज क्या है? ज्यादा है। यानी कि इस पॉइंट पर, यानी सेकंड नंबर पर कोई ऐसा फैक्टर है जिसको फेवर कर रहा है, और किस तरफ मूव करवा रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो जो भी फैक्टर्स फेवरेबल होंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने के लिए, वो इस ग्राफ को किस तरफ लेकर के जाएंगे? वाई एक्सिस की तरफ। और जो भी फैक्टर्स फेवरेबल नहीं होंगे वो किस तरफ लेके जाएंगे? एक्स एक्सिस की तरफ। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो, ऐसा कौन से कंडीशन है जो कहां ले जा रहे हैं? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब कहां हो गया? फेवरेबल की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ कहां हो गया बच्चों? देखो, हाई PO2 वैल्यू गलत, हाई टेम्परेचर
गलत, लेसर एच प्लस कंडीशन, यानी कि एच प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो यदि कम होगी तो ग्राफ किस तरफ मूव करेगा बच्चों, लेफ्ट की तरफ, यानी कि ज्यादा एच बी ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। वेरिएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड डू नॉट अफेक्ट रेस्पिरेशन, यानी कि जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं उनमें होने वाला वेरिएशन किसको अफेक्ट नहीं करता, जो वेरिएशन है वो रेस्पिरेशन को अफेक्ट नहीं करता। देखो क्या हो, अगर बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो ये अफेक्ट करेगा, एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो ये अफेक्ट करेगा, CO2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो ये अफेक्ट करेगा, पर सोडियम का यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड में अगर सोडियम की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो ये ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करेगा, ना कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए आंसर क्या गया, थर्ड। आगे आ जाओ। EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन से क्या होगा, देखो क्या होगा, हम पढ़ते हैं, रिब्स का एलिवेशन होगा और स्टर्नम बाहर की तरफ जाएगा और वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर बढ़ेगा, पसलियों तथा उरोस्थियों में फैलाव से वक्षी गुहा का आयतन पृष्ठ अधर अक्ष में बढ़ जाएगा, ये वेंट्रल साइड, ये डोर्सल साइड, यानी अधर और ये पृष्ठ, जब भी मूवमेंट होगा EICM में ये बाहर की तरफ जाएगा वक्षीय पिंजरा, तो सामने का ये जो आयतन है ये बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो पहली बात सही है, बिल्कुल सही दे रखी है, गलत दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है भैया। आगे आ जाओ। Elevation of the ribs and sternum causing increase in the volume of anteroposterior axis. ये बात यहाँ पे गलत हो गई। यानी कि अग्रपश, अग्रपश में तो कौन बढ़ाता है, तनुपट, ऐसे गलत हो गया। Next, depression of the, depression तो होगा ही नहीं, ठीक है, अंदर धसेगा ही नहीं, बाहर की तरफ निकलेगा, depression, यहाँ पर भी depression दे दिया तो गलत हो गया, तो सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। अंतः श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन तब संपन्न होता है जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब की तुलना में ऋणात्मक दाब होता है, या ऋणात्मक दाब कब प्राप्त होगा, यानी कि इंस्पिरेशन कब होगा, जब नेगेटिव प्रेशर होगा, ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर कब होगा ये पूछ रहा है कि नेगेटिव प्रेशर क्यों होगा, देखो नेगेटिव प्रेशर का क्या मतलब है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय तुलना के दाब में कम है, यानी कि वायुमंडल का दाब तो ज्यादा है, फेफड़ों के अंदर का दाब यदि कम है तो उनमें कैसा प्रेशर हो गया, नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो ये बात सही है, बिल्कुल मुझे तो सही लग रही है। आगे आ जाओ। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर, ना ग्रेटर में तो बाहर निकलेगी वायु, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल, इक्वल की बात ही नहीं है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर, तो ये बात भी यहां पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेगेटिव प्रेशर के लिए जो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन की अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में यदि कम है तो उनमें कैसा दाब हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, आगे आ जाओ। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको, गलेट ओपनिंग है क्या ट्रेकिया की, और ग्लॉटिस ओपनिंग है क्या इसोफेगस की, ट्रेकिया गलेट के द्वारा खुलता है और ग्रसिका ग्लॉटिस के द्वारा खुलती है, ग्रेसिका नहीं, क्या है ये, ग्रसिका, ग्रसिका ग्लॉटिस के द्वारा खुलेगी क्या, गलत हो गया, उल्टा दे दिया। यूस्टेकियन नलिका जो है ग्रसनी और किसके मध्य का बेसिकली कनेक्शन है, यूस्टेकियन ट्यूब प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंग्स एंड मिडिल ईयर, ये बात एकदम सही है, यूस्टेकियन ट्यूब क्या किसको कनेक्ट करती है, फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करती है, मिडिल ईयर से कनेक्ट करती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गैसेज एक्सचेंज इंस्पायर्ड एयर में और ब्लड में स्टार्ट हो जाता है कहां से, नेजल कैविटी से, कहां से स्टार्ट हो जाता है, नेजल कैविटी से, ये बात सही है या गलत है, गलत है। एक्सचेंज तो कहां पे जाके होगा, एल्वियोलाई के पास में जाकर के, जो ब्रोंकियोल्स है वहां पर जाकर के एक्सचेंज शुरू होगा, ये पार्ट तो कैसा है, केवल कंडक्टिंग पार्ट है, इसका तो काम क्या है, हवा को नीचे तक पहुंचाना, तो गलत हो गया ये। तो अब हमारे पास में सही ऑप्शन केवल कौन सा बचता है बच्चों, जो सी है, यही हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा करेक्ट ऑप्शन हमें कहां दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, इसलिए आंसर कौन सा चला गया हमारा, सेकंड ऑप्शन चला गया। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन की समरी मैं आपको बता देता हूं, क्या होता है कि एक शादीशुदा कपल के एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा कैसा है, वो बच्चा देखो किस तरह से है कि वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, बट उस बच्चे को क्या कर दिया गया, मार दिया गया,
और बाद में ये बताया गया कि वो बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है। अब जो कपल था उन्हें डाउट हुआ उस व्यक्ति के ऊपर, तो उन्होंने पुलिस केस कर दिया। पुलिस पता लगाने के लिए क्या किया, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया, अब उसको ये पता लगाना था कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है या मरा हुआ पैदा हुआ है। इसको पता लगाने के लिए उसने क्या किया, लंग्स के एक टुकड़े को काटा और पानी में रख दिया। अब अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा है, पैदा हुआ होगा, तो उसने कभी भी ब्रीथ नहीं किया होगा, और ब्रीथ नहीं किया होगा तो जो रेजिडुअल एयर है, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो उसके लंग्स में नहीं आई हुई होगी। और जब रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आई हुई होगी तो वो जो लंग्स का जो पीस है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लंग्स का पीस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर वो जिंदा पैदा हुआ होगा तो रेजिडुअल एयर उसके फर्स्ट टाइम की ब्रीथिंग से उसके लंग्स में आ गई होंगी, और रेजिडुअल एयर एक बार आएगी तो हमेशा रहेगी, तो वो तैरने लग जाएगा। तो अगर वो पीस ऑफ लंग पानी में फ्लोट करने लग जाए तो मतलब बच्चा कैसा पैदा हुआ था, जिंदा, बाद में मरा है। और वो पानी में डूब जाए तो बच्चा कैसा पैदा हुआ था, मरा हुआ पैदा हुआ था। तो बस यही पोस्टमार्टम है, जिंदा पैदा हुआ है बच्चा, बाद में उसे मारा है, तो क्या होगा, वो जो पीस ऑफ लंग है वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करता रहेगा, क्या करता रहेगा, तैरता रहा। इस तरह से उसने पता लगा लिया कि जो बच्चा है वो कैसा पैदा हुआ था, जीवित अवस्था में हुआ था। बच्चा कैसा पैदा हुआ था, जीवित अवस्था में हुआ था, परंतु उसकी व्यक्ति ने हत्या कर दी थी और उसे क्या हो गई, जेल हो गई। ठीक है, आगे आ जाओ। अब जो समुद्री तल में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके अंदर आरबीसी कितनी है, 5 मिलियन, और वहीं पर क्यूबिक एमएम, और वही जो 5400 मीटर के हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं उनमें 8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक आरबीसी है, 8 मिलियन आरबीसी प्रति घन है। क्यों, रीजन क्या है कि जो जितनी हाइट पे जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, एक तो ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देती है, एक नंबर ऑफ आरबीसी को क्या कर देती है, राइज कर देती है, ताकि जितनी भी ऑक्सीजन है उसे ज्यादा से ज्यादा बॉडी में क्या किया जाए, ऑक्सीजन उससे ली जाए। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रिटिव फूड वाला तो कुछ बैठेगा ही नहीं, पॉल्यूशन फ्री एयर भी नहीं बैठेगा, पीओ टू लेवल क्या है, लेस है, हेंस मोर आरबीसी की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा कि मोर आरबीसी जो है एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ज्यादा आरबीसी की उनको रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए सही आंसर क्या चला गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी का कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं होगा। आगे आ जाओ। Although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic. इतनी ज्यादा CO2 ब्लड में कैरी की जाती है, CO2 की पानी के साथ रिएक्शन पे H+ बन रहा है, फिर भी जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चों, देखो कि इसको ल्यूकोसाइट ने एब्जॉर्ब कर लिया, श्वेत रुधिर वालों का बेचारों का क्या काम है, गलत है, वो तो वैसे ही अभी कोरोना से जूझ रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 विच इज Na2CO3। H2CO3 को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले टीचर क्या बोलेंगे अगर मैं न्यूट्रलाइज करवा दूंगा, तो गलत हो गया। CO2 ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड बफर, ये एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं, यानी कि जो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हो गया और जो ब्लड में जो बफर सॉल्यूशंस पाए जाते हैं, जो ब्लड के बफर्स हैं जो किसी भी पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण ब्लड क्या नहीं होता, एसिडिक नहीं होता। ठीक है, तो सही आंसर कहां पे मिल गया हमें, थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाओ। इन मैन एंड अदर मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनटू द लंग्स। अब हमें बताना है कि बाहर से हवा हमारे लंग्स तक कौन से ऑर्डर से आएगी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स आ गया, गलत बात है। नेजल कैविटी के बाद क्या आना चाहिए था, ग्रसनी आना चाहिए थे। नासा गुहा के बाद क्या आना चाहिए था, ग्रसनी, इसलिए पहला गलत हो गया। सेकंड, नेजल कैविटी यानी नासा गुहा सही बात है, ग्रसनी सही बात है, लैरिंग्स सही बात है, ट्रैकिया सही बात है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल थोड़ी आएगा, पहले क्या आना चाहिए, ब्रोंकाय, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेजल कैविटी सही बात है, लैरिंग्स आ गया, गलत हो गया। फोर्थ पे आ जाओ, नेजल कैविटी, नासा गुहा, ग्रसनी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाय, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट ऑर्डर मिल गया कि किस तरह से हवा जो है हमारे बाहर से हमारे लंग्स के अंदर आती है। आगे आ जाओ। इन द टिश्यूज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऊतकों में CO2 की जो उच्च सांद्रता है उसकी वजह से क्या होगा, देखो, इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, गलत बात होगी। क्या होता है कि CO2 की जब कंसंट्रेशन क्या होती है टिश्यूज में, क्या होती है बच्चों,
जब CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाई होती है, तो बोर इफेक्ट होता है। बोर इफेक्ट के कारण बेसिकली क्या होता है कि जो HbO2 है वो किस में ब्रेक हो जाता है, Hb plus O2 में, यानी कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और वहीं ये जो Hb है ये क्या करता है कि जो CO2 किसके साथ जुड़ी थी, H2O के साथ, और क्या बनाया था, H2CO3, और H2CO3 क्या बनाया था, HCO3 नेगेटिव प्लस H+। तो ये हीमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी किसके लिए बढ़ जाती है, H+ के लिए, यानी कि Hb की जो एफिनिटी है वो H+ के लिए तो क्या हो गई, राइज, और O2 के लिए क्या हो गई, डिक्रीज। इसी वजह से देखो आंसर हमें यही ढूंढना है, तो पहला गलत इसी वजह से हुआ। इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन एंड डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ टू द, गलत हो गया, ये भी इंक्रीज थोड़ी होती है, डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू द ऑक्सीजन बट इंक्रीजेस इट्स एफिनिटी टू द हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के प्रति बंधुता तो कम हो गई, बिल्कुल सही बात है, और हाइड्रोजन के प्रति बंधुता क्या हो गई, बढ़ गई। इसी वजह से सही आंसर कौन सा गया बच्चों, हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाओ। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है, रेफरेंस लेकर के, ट्रांसपोर्ट किसका, रेस्पिरेटरी गैसेस का, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। हीमोग्लोबिन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ऑक्सीजन। ये तो बात गलत हो गई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसके ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। ये किसके लिए बोल रहा है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, पहला ऑप्शन हो गया गलत। हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, सही हो गया। फिर ऑक्सीजन ही थोड़ी होता है ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो गलत हो गया। ओनली CO2 थोड़ी होता है ट्रांसपोर्ट, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा बच्चों हमें सही आंसर मिल गया। आगे आ जाओ, करेक्ट मैच बताना है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी बता रहा है, 2500 ml, गलत बात होगी, कितनी होती है, 1100 से 1200 ml के समथिंग यहां पर हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। वाइटल कैपेसिटी 3500 बता दी, ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, ये बिल्कुल सही बात है, ये कितनी होती है, 3000, यानी कि ये कितनी होती है, 2500 ml से लेकर के 300 ml तक होती है। और इसमें जब हम लोग 500 ml क्या जोड़ देते हैं, टाइडल वॉल्यूम, तब ये क्या बन जाता है, IC, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कितनी हो जाती है, ml। तो यहाँ पर IC कितनी दे रही है, दे रखी है 4500 ml, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सही ऑप्शन कहाँ मिल गया हमें, थर्ड ऑप्शन पे ही करेक्ट आंसर पता चल गया। आगे आ जाओ, अब कॉलम फर्स्ट की कॉलम सेकंड से मैचिंग करनी है। टाइडल वॉल्यूम में तुमने जब क्या जोड़ा, ERV जोड़ा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में जब TV जोड़ा तो क्या बनेगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ये बिल्कुल सही हो गया। RV में ERV जोड़ा, TV जोड़ा, यानी सबको जोड़ लिया, तो क्या बन गई, टोटल लंग कैपेसिटी। और ERV में जब RV जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है हिंदी में भी, तो बस A का फर्स्ट, B का सेकंड, C का थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें करेक्ट आंसर बच्चों मिल जाता है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो, द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एल्वियुलर डिफ्यूजन। रेट ऑफ एल्वियुलर डिफ्यूजन का मतलब एल्वियुलाई से जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो देखो, गैसेस की सॉल्युबिलिटी है ये भी अफेक्ट करेगी, मेम्ब्रेन की थिकनेस है ये भी अफेक्ट करेगी, प्रेशर का ग्रेडियंट है ये भी अफेक्ट करेगी, बट रिएक्टिविटी जो है ना, गैसों की जो क्रियाशीलता है, ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। इसी वजह से सही आंसर पूछा भी क्या है, नॉट अफेक्टेड, क्या पूछा है, विसरण दर को प्रभावित नहीं करता, इसी वजह से आंसर कौन सा गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर इन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल व्हेन एक्सपिरेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस। जब हम हवा को बाहर निकालते हैं या वायु को निश्वसित करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, पहले फ्लैट हो चुका है, अब वापस डोम शेप में आता है, यानी क्या होता है, रिलैक्स होता है। EICM क्या होती है, रिलैक्स होती है, ताकि थोरेसिक केज और ये सब वापस अपनी जगह पर आए। तो कुल मिला के क्या होता है कि पेशीय संकुचन किसी में भी नहीं होता, यानी कि दोनों की दोनों रिलैक्स हो रही है, EICM भी रिलैक्स हो रही है और डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम रिलैक्स। देखो,
तो यहाँ पे क्या बता दिया इसने, रिलैक्स और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, गलत हो गया। EICM को कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, गलत हो गया। और इसने दोनों को कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, गलत हो गया। सही आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन, कि बाह्य अंतरापार्श्व पेशियां तथा डायफ्राम दोनों की दोनों क्या होते हैं, शिथिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहां से लेकर के आ रही है, तो सी क्या हो गई, पल्मोनरी वेन, डी क्या हो गई, अओर्टा, ए क्या हो गया यहां पर, ये बेसिकली क्या हो गई, वेन, सिस्टेमिक वेन, और बी क्या हो गया जो लेकर के जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी। बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए पर ये ए है, यहां पर क्या लग रहा है, ये ए लग रहा है, तो ए पर सिस्टेमिक वेन, दैहिक शिरा, सही है। आगे देख सकते हैं, बी पर पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, सही है। सी पर पल्मोनरी वेन और डी पर सिस्टेमिक आर्टरी। फर्स्ट में ही सही आंसर हमें मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है। आगे देखोगे, ए पर सिस्टेमिक आर्टरी बता रहा है जो कि गलत हो गया, वेन है। बी ए पर पल्मोनरी आर्टरी बता रहा है, बी पर सिस्टेमिक वेन बता रहा है जो कि क्या है बच्चों, गलत हो गया। ए पर सिस्टेमिक वेन बता रहा है, बी पर पल्मोनरी वेन बता दी, बल्कि होना क्या चाहिए था, आर्टरी, तो ये भी गलत हो गया। सही है, नेक्स्ट। ब्लड कैरी CO2 इन थ्री फॉर्म, द करेक्ट परसेंटेजेस ऑफ CO2 इन दीज फॉर्म्स आर, देखो वापस मैंने पहले भी बताया था, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के अंदर बात की जाए तो 20-25%, बाइकार्बोनेट्स में बात की जाए तो 70%, और डिसॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा में बात की जाए तो 7। तो देख लो अभी ऑप्शन कहां पे मिल गए आपको, फर्स्ट ऑप्शन में ही ये ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं, 20-25, 70 और 7%। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक, नेक्स्ट। Which of the following would have same oxygen content? Same oxygen content किस में होगा? तो देखो, पहला ऑप्शन, blood entering lungs, blood leaving the lungs, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि फेफड़ों में जो blood आएगा, वो तो deoxygenated होगा, पर जो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा? Oxygenated, तो गलत हो गया। Blood entering the right side of the heart and leaving the right side of the heart, ये heart है हमारा, ये right atrium, ये left atrium, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहां पर से देखो जो ब्लड आ रहा है और यहां से जो ब्लड जा रहा है, इसमें कौन सा ब्लड आ रहा है, डी ऑक्सीजिनेटेड, ठीक है, और यहां से जो ब्लड लीव कर रहा है ये भी कैसा है, डी ऑक्सीजिनेटेड, तो आने वाला ब्लड भी डी ऑक्सीजिनेटेड है, जाने वाला ब्लड भी डी ऑक्सीजिनेटेड है, और यही हमसे पूछा है। तो एंट्रिंग और लीविंग राइट साइड ऑफ द हर्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट हमें सेम मिलेगा, ठीक है। यहां पर आगे देखोगे तो एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हर्ट और लेफ्ट साइड में तो बहुत अंतर आ गया, राइट से जाने वाला तो डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट से जाने वाला ऑक्सीजनेटेड है। टिश्यू कैपिलरी में आने वाला डीऑक्सीजनेट, आने वाला ऑक्सीजनेटेड है और टिश्यू कैपिलरी से जाने वाला डीऑक्सीजनेटेड है। तो सही आंसर कहां मिला हमें बच्चों, ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हर्ट एंड ब्लड लीविंग द राइट साइड ऑफ द हर्ट, जो है वो एकदम सही हमारा ऑप्शन बैठ जाता है। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, पर ध्यान देना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन, एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, और इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ये डायग्राम तो नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी में बता रखा है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है आपको, सेकंड से थर्ड पूछ रहा है ये, ठीक है। द गिवन फिगर इलस्ट्रेट द चेंज इन द लंग सेकंड से थर्ड, अब ये जो है सेकंड है, इसको इधर ड्रॉ कर दो, और इसको ये क्या शो कर रहा है, यानी ये जो है वाई एक्सिस पर ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वाला तो कर रहा है सेकंड, और ये पॉइंट शो क्या कर रहा है, थर्ड। तो अब आप देखो सेकंड से थर्ड, सेकंड से थर्ड पर जब हम जा रहे हैं तो जो लंग वॉल्यूम है यहां से यहां जाने पर, जो देखो जो लंग वॉल्यूम है वो लंग वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि जब भी हम सेकंड से थर्ड की तरफ जाएंगे तो जो लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी, और लंग वॉल्यूम जब डिक्रीज होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हवा फेफड़ों से बाहर निकलेगी। तो देखो मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अवे फ्रॉम द लंग्स, अगर अवे होता तो लंग वॉल्यूम क्या होती, बढ़ती, तो अवे फ्रॉम द लंग मूवमेंट ऑफ डायफ्राम क्या है,
डायफ्राम का फेफड़ों से दूर गति, यानी कि मूवमेंट ऑफ डायफ्राम क्या हो रहा है फेफड़ों से, यहां पर आप यहां पर तो डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ती तो गलत हो गया, एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी तो भी वॉल्यूम बढ़ती पर यहां तो घट रही है, मूवमेंट ऑफ एयर आउट यानी हवा का बाहर जाना, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ रिब्स होता तो भी वॉल्यूम बढ़ती, फर्स्ट में वॉल्यूम बढ़ती, सेकंड में बढ़ती, फोर्थ में बढ़ती, पर यहां पर क्या हुआ थर्ड में वॉल्यूम कम हुई है, तो इसलिए आंसर कहां चला गया हमारा बच्चों थर्ड ऑप्शन पे, हमें क्या मिल गया आंसर मिल गया। चलें आगे, नेक्स्ट, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 कब डिसोसिएट होगी, तो कब होगी जब इसके अपोजिट फैक्टर्स आ जाए। देखो क्या आ जाए, PCO2 हाई होगा तो बिल्कुल डिसोसिएट नहीं होगी, PO2 हाई हो और PCO2 लो हो तो डिसोसिएट हो सकती है, PCO2 और PO2 इक्वल हो तो भी डिसोसिएशन की कोई बात नहीं है, और H+ कंसंट्रेशन यदि हाई होगी तो भी डिसोसिएट नहीं होगी। तो मोर करेक्ट कौन सा है, कब डिसोसिएट होगी, जब PO2 की वैल्यू तो क्या है हाई है और PCO2 की वैल्यू क्या है कम है, तो ये फैक्टर्स किसके लिए फेवरेबल हो गए, हीमोग्लोबिन के और ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए, और किसके लिए अनफेवरेबल हो गए, हीमोग्लोबिन और CO2 के आपस में जुड़े रहने के लिए, तो यहां पर एक तरह से रिवर्स बोर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट, लंग्स सेपरेटेड फ्रॉम वीनस ब्लड, देखो लंग्स वीनस ब्लड से सेपरेटेड किससे होंगे, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ब्लड वेसल जारी होती है, तो ये जो एल्वुलाई की वॉल है ये कौन सी है, स्क्वेमस एपिथीलियम, और ये वॉल कौन सी है, एंडोथीलियम, और इनके बीच में क्या आ जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हमें दो ही दे रखे हैं, देखो संक्रमण उपकला तो होगी नहीं, ये तो यूरिनरी ब्लैडर में होती है, इस ट्यूनिका मीडिया भी नहीं होगी, क्योंकि क्या होती है ब्लड कैपिलरी होती है और कैपिलरी में सिंगल लेयर पाई जाती है, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा नहीं। सही आंसर कहाँ मिल गया, स्क्वेमस एपिथीलियम प्लस एंडोथीलियम जो है ना ब्लड वेसल की, उनमें क्या होता है वो ब्लड को क्या करती है बेसिकली, यानी कि शल्की उपकला तथा रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियम क्या करती है कि वायु को रुधिर से क्या करती है अलग करके रखती है। यहां तक बात आई समझ में, नेक्स्ट, पल्मोनरी डिजीज का नाम बताना है जिसमें सरफेस एरिया जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है वो ड्रास्टिकली डैमेज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, डैमेज इन द एल्वियुलर वॉल, यानी कूपी की भित्तियों के क्षत हो जाने से जो अब एक्सचेंज कर रहे थे वो व्यक्ति जो एक्सचेंज कर रहा था हवा से ऑक्सीजन ले रहा था वो एरिया कम हो गया, ऐसा कौन सी बीमारी में होता है, तो बेटा ऐसा होता है सिगरेट पीने से, क्योंकि सिगरेट पीने से कौन सी डिजीज होती है, एम्फाइसीमा, क्या बुलाते हैं हम उसे, वात स्फीति, कौन सी डिजीज है, वात स्फीति। इस डिजीज में क्या होगा, एल्वियुलाई डैमेज हो जाएगी और जो एक्सचेंज एरिया था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, वात स्फीति। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, एक सर्दियों का समय है ड्यूरिंग विंटर, पर्सन डाइड ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि एक व्यक्ति सर्दियों में सोते सोते मर गया, रूम बंद था और उसने क्या कर रखा था, कोयले की एक सिगड़ी अपने कमरे में जला रखी थी, ठीक है, उसके रूम में उसे मिली, तो अब हमें बताना है कि उसकी डेथ का पॉसिबल रीजन क्या होगा। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं, यानी कि एक सर्दी में एक व्यक्ति रात्रि को सोते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, कमरा बंद है, कमरे में जले हुए कोयलों का एक पात्र पाया जाता है, उसकी मृत्यु का संभावित कारण क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होगा जब सिगड़ी जलेगी, बर्न होंगे चारकोल, तो उसके कारण जो कमरे की ऑक्सीजन है उसका क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर हम उसकी कॉज का डेथ भी देखेंगे पोस्टमार्टम से, तो हमें उसकी डेथ क्या मिलेगा, कॉज क्या मिलेगा डेथ का, एस्फेक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा एकदम क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड, हीमोग्लोबिन की ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है, इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ गया और ऑक्सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहा और इसी वजह से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, तो ये बात भी हमारी क्या हो गई, सही हो गई। अब फोर्थ थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है बच्चों, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता बिल्कुल होती है, बट ये जो है ये नॉर्मल केस में होती है और इसका डेथ से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, गलत। तो बच्चों फिर हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, तो इसी वजह से हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, यानी कि पहला तथा दूसरा। चलिए आगे आ जाओ,
कंडक्टिंग पार्ट जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसका काम क्या है? तो तीनों ही काम है, बाहरी कणों को भी हटाता है, वायुमंडल वायु को नम करता है, वायु के ताप को शरीर के ताप के बराबर रखता है, तो सारे की सारे ये काम हो गए, तो इसलिए आंसर क्या चला गया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या चला गया? फोर्थ ऑप्शन। चलिए बच्चों देखो 94 का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारंभिक श्वसनिकाओं में, ध्यान देना, प्रारंभिक श्वसनिकाओं में कोई वायु नहीं है तब भी ये नहीं पिचकती, तो इसका रीजन क्या हो गया कि प्रारंभिक श्वसनिकाएं की बात हो रही है ये, तो प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो पाई जाती हैं, तो यही वो रीजन है कि अपूर्ण उपास्थीय वलयों की उपस्थिति के कारण उनका पिचकना नहीं हो पाता। इनिशियल की जगह अगर टर्मिनल ब्रोंकियोल या इस तरीके का दे देता तब हम इसके क्वेश्चन पे जाते, फर्स्ट ऑप्शन पे लेसिथिन या प्रश्न जो है सर्फेक्टेंट के रिलेटेड पे, बट यहाँ पे अभी इनिशियल बोला है, इसी वजह से सही आंसर कौन सा हुआ इसका, अपूर्ण उपास्थीय वलयों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट आ जाओ, विच मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, हवा को बाहर निकालना है फेफड़ों से, तो जब हवा को फेफड़ों से बाहर निकल रहे हैं तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? तो देखो बच्चों कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी एक्सपायरेशन के दौरान, ये तो आपको पता ही है, EICM रिलैक्स होगी, डायफ्राम रिलैक्स होगा, इन दोनों के कारण क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया प्रेशर के बढ़ने से हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर चली जाएगी। चले आगे, नेक्स्ट, टाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी उसने नॉर्मल इंस्पिरेशन में मतलब क्या लिया है, टाइडल वॉल्यूम ली है, अब वो क्या कर सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो बाहर निकाल सकता है तो वो कौन कौन सी है, तो देखो एक तो टीवी तो निकाल ही सकता है, इसके अलावा उसके अंदर कौन स्टोर है, अभी ERV स्टोर है, और कौन है, RV है, अब किस किस को निकाल सकता है इन दोनों में से, इन दोनों को वो क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो क्या बन गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो क्या किसे बाहर निकाल सकता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को सामान्य अंतःश्वसन के पश्चात एक व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता है, निष्कासन उसका किया जा सकता है। आगे आ जाओ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग मेनली किससे रिलेटेड है, अगर प्राइमरी कॉज पूछा जाए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग का तो वो क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजन के आंशिक दाब से प्राइमरली पूछा जाए, ये कारक उसे प्रभावित कर सकते हैं, बट मेनली किससे रिलेटेड है, वो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन RBC, सही बात है कि RBC में हाई कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होती है, कुछ मात्रा में प्लाज्मा में भी होती है तो भी सही बात है, 100 ml ब्लड जो है वो 4 ml CO2 को डिलीवर करता है, सही बात है, और 20-25% CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के तौर पर कैरी की जाती है, यानी ए भी सही है, बी भी, यानी सारे के सारे फैक्टर एग्जैक्टली सही है, इसलिए आंसर क्या चला गया, थर्ड। आगे आ जाओ, व्हेन वी एस्टिमेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि जब हम क्या करें, किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात, सामान्य बाह्य श्वसन यानी कि उसने क्या निकाला है, नॉर्मली एयर को बाहर निकाला है, जब हम सामान्य बाह्य श्वसन के पश्चात बलपूर्वक अंतःश्वसन के समय ली गई वायु को स्पायरोमीटर की सहायता से मापेंगे तो क्या दर्शाएगा, तो देखो टोटल वॉल्यूम जो पर्सन इंस्पायर कर रहा है फोर्सफुली, ठीक है, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में उसने क्या बाहर निकाला होगा, टाइडल वॉल्यूम निकाला होगा, अब उसके बाद वो फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा है तो क्या इंस्पायर कर सकता है, IRV, तो IRV और TV को वो इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, तो और इन दोनों का टोटल क्या होता है, इन दोनों का टोटल क्या होता है, बेसिकली फोर्सफुली TV प्लस IRV, यानी कि इन दोनों का टोटल हम लोग क्या कहते हैं, IC कहते हैं, यानी इंस्पायरेटरी क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, तो बस आंसर भी कहां पे मिलेगा हमें, सेकंड ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया, देखो TV प्लस IRV, यानी कि टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा है, पर्सन इंस्पायर कर सकता है फोर्सफुली यानी बलपूर्वक अंतःश्वसन के समय, सामान्य बाह्य श्वसन के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसन के समय
ली गई वायु को अगर हम स्पायरोमीटर से मापेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टीवी प्लस आईआरवी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रॉन्ग एंट्री कौन सी है, ठीक है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र के कार्यों के संबंध में गलत प्रविष्टि का चयन कीजिए। तो देखो, ह्यूमिडिफिकेशन एयर का करना, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये तीनों की तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम कर सकता है। बट जो हवा हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं या निश्वसित वायु जो है उसे स्वच्छ क्यों करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, बात आ रही है समझ में? तो बाहर जो वायु अंदर आ रही है वो तो फिर भी क्या होती है, स्वच्छ की जा सकती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह लंग्स में ना जाए, पर एक्सपायरेटरी वायु को क्यों स्वच्छ किया जाएगा? तो ये एक तरह की गलत एंट्री यहां पर आ गई किसमें, फोर्थ ऑप्शन पे। तो आंसर भी गलत ही पूछा था। चलो आगे, ए पर्सन इज ट्राइंग टू फिल एम्प्टी बेल। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तुम्हें गुब्बारा दिया, एक सांस में फुलाना है, तो तुम क्या करोगे, लंबी सांस लोगे, फिर जोर से उस गुब्बारे में हवा भरोगे, गुब्बारा फूलेगा। तो जब तुमने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया तो तुम्हारे लंग्स में अब क्या क्या हो गया, देखो इकट्ठा क्या क्या हो गया, एक तो आईआरवी तुमने भर ली, प्लस टाइडल वॉल्यूम भर ली और क्या भर ली, ईआरवी, ठीक है। तो तुम इन तीनों को किस में डालने की कोशिश करोगे, उस बैलून में डालने की कोशिश करोगे। तो तीनों का जो सम है वो क्या हो गया, वाइटल कैपेसिटी, यानी कि फेफड़ों की जैव क्षमता। इसीलिए आंसर क्या गया, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के दौरान क्या नहीं होता, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फ्रेनिक मसल्स, ये तो होता है, इंक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, ये भी होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये नहीं होता, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, ना कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का, यानी कि आंतरिक अंतरापर्शक पेशियों में संकुचन अंतःश्वसन के दौरान नहीं होता, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाओ, ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिजीज, यानी व्यवसाय से संबंधित फुफ्फुसीय रोग, तो खदान में काम करने वाले मजदूर, ठीक है, ईंट भट्टों पे काम करने वाले, तो ऐसे मजदूर बेचारे किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, सिलिकियोसिस, ये क्या है, एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, निमोनिया, एम्फाइसीमा, लंग कैंसर, इससे तो कोई भी पीड़ित हो सकता है, बट जैसे अभी COVID-19 है तो उसमें निमोनिया ही हो रहा है, एम्फाइसीमा सिगरेट पीने वाला हो जाएगा, और लंग कैंसर किसी को भी हो सकता है, ज्यादा चांसेस स्मोकर्स के अंदर है, बट इसमें सिलिकोसिस जो है वो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। आगे आ जाओ, व्हेन ए मैन इनहेल एयर कंटेनिंग नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ही सफर्स फ्रॉम सफोकेशन, वापस उसी कॉन्सेप्ट पे आया है ये क्वेश्चन बेस्ड। तो देखो क्या हुआ, हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड में, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, और फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन में ही आपको सही आंसर मिल गया, ऐसे पिछले एक दो कॉन्सेप्ट पे भी आप क्वेश्चन देख चुके हैं, तो बिल्कुल इजी सी बात है कि भाई CO जो है वो क्या कर लेगी, बॉन्ड बना लेगी किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। आगे आ जाओ, ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्यों है ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक अनस्टेबल कंपाउंड, क्योंकि देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंटेड प्रोटीन है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, फिजिकल बॉन्डिंग जो है ऑक्सीजन में, ये क्या हो रहा है कि फिजिकल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। देखो करेक्ट आंसर अगर हम लोग देखें, इसका मोर करेक्ट आंसर देखें कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो बनना है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो बनना है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीजनेशन, कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ऑक्सीजनेशन, ना कि ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए मोर करेक्ट के हिसाब से हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कलर्ड पिगमेंट, रंगीन वर्णक है, सही बात है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैज स्पेशल एफिनिटी फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, सही बात है, श्वसन वर्णक श्वसन गैसों के लिए विशिष्ट बंधुता रखते हैं, सही हो गया, पहला भी सही था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आर कलर्ड प्रोटीन विच कंटेन्स मेटालिक आयंस, तो ये बात भी सही है, जैसे कि एग्जांपल हीमोग्लोबिन हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मे नॉट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हम अभी जिंदा ही नहीं रहते, मानव जो है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए ही जाएंगे, ठीक है, एब्सेंट नहीं हो सकते, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। आगे आ जाओ,
Mammalian lungs have enormous number of minute alveoli. It is to allow. स्तनीय फेफड़ों में असंख्य छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं, इनका क्या कार्य है? तो देखो, इतनी नंबर ऑफ कूपिकाओं का क्या कार्य है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसके लिए? गैसों के विसरण के लिए, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए। तो क्या हो? मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, नहीं, मोर सरफेस एरिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो सेकेंड ऑप्शन पे हमें इसका सही आंसर बच्चों मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई टिश्यू इन वन सर्कुलेशन। ध्यान रखना कि कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में ये पूछ रहा है आपसे, तो देखो सिंपल सी बात है, 20 ml क्या होती है? ऑक्सीजन किसके अंदर? पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से ये कितना दे देती है? 5 ml। 20 में से कितना दे दिया? 5। तो बस परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो तो 5 अपॉन 20 इंटू 100, 25%। सही आंसर कौन सा हो गया? यानी एक साइकिल में कितना डिलीवर करती है? 5 ml। कैरी कितनी करती है? 20 ml। तो परसेंटेज वाइज कितना आंसर हो गया? 25%। आगे आ जाओ। Which statement regarding diffusion membrane inside lung is false? गलत कौन सा है diffusion membrane के regarding? तीन major layer की बनी हुई है, लगभग सही बात है। Squamous epithelium, endothelium और basement membrane, सही है। Total thickness 1 millimeter से भी कम है, सही है। ठीक है, protein channels के through diffusion नहीं होता, ठीक है, protein channelों द्वारा होता है, ये बात सरासर गलत है। तो बस हमें भी क्या बताना था? False हमें जानना था। तो फॉल्स कौन सा है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन है, प्रोटीन चैनल्स के थ्रू थोड़ी होता है। चलो आगे, एक फिगर दे रखा है हमें, एबीसीडी पता करना है बच्चों। तो देखो, एबीसीडी हम पता करें तो सबसे पहले हमें पता क्या चल रहा है कि जो ए है वो क्या है? ट्रेकिया है। बी किसको शो कर रहा है? रिब्स के सेक्शन को शो कर रहा है। सी किसको शो कर रहा है? एल्वियोलाई को शो कर रहा है। और डी किसको शो कर रहा है? डायफ्राम को शो कर रहा है। ध्यान से देखते हैं, देखो इसके रिगार्डिंग हमें देखना है, सी एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। डी लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम, लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान ये जो डी है ये क्या है? लोअर एंड ऑफ लंग्स है बता रहा है ये, और डायफ्राम जो है, यानी कि डी क्या है? फेफड़ों का निचला सिरा है जो अंत श्वसन के दौरान डायफ्राम इसे नीचे की तरफ खींच लेता है। ए ट्रेकिया है, लॉन्ग द सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेज, कंप्लीट आ गया इसलिए गलत हो गया। बी जो है वो क्या बता रहा है? प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग। तो बस देख लो, यहां पे हमें ध्यान से अगर हम लोग देखें बच्चों इस ऑप्शन क्वेश्चन को, तो देखो सी पर एल्विलाई है, ये बिल्कुल सही बात है, जो सी ऑप्शन दे रखा है वो एकदम सही है। डी गलत है, ध्यान से देखो, डी क्या है? डायफ्राम है खुद ही। ये क्या बोल रहा है? डी को लोअर एंड ऑफ द लंग, ये लंग्स हैं, इनका लोअर एंड तो यहां रह गया, इसके बाद तो ये स्ट्रक्चर तो क्या है? डायफ्राम है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। ए पर ट्रेकिया, सही बात है, कंप्लीट बोल दिया ना, तो गलत हो गया। बी पर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बी पर क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। बी पर क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। बी पर प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसको करेक्ट कर लेना। सराउंडिंग रिब्स, बिल्कुल सही बात है, टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, कुशन अगेन रिब्स, कुशन मतलब एक तरह से क्या कि रगड़ से बचाने के लिए गद्दी प्रदान करती है भाई। फिर इसके अंदर जो फ्लूड है वो क्या काम करेगा? फिर मेन काम तो उसका होता है रगड़ से बचाने के लिए, इसलिए ये गलत हो गया। रिब केस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देने का, ठीक है। तो
क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा आया हमारा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन जो है सी वाला वो एकदम सही है। बात आई यहां तक समझ में? चलो नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट डिफाइंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। तो ये तो मतलब देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी कि जो एफ, जो आर और सी, ये इसमें क्या आता है बेसिकली ई आर वी प्लस आर वी। तो आर वी को तो कोई एक्सचेंज कर ही नहीं सकता, ये आर वी को तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता। तो अब ध्यान से देखो एफ आर सी में क्या आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, तो इसको तो एक्सपायर किया ही नहीं जा सकता, तो गलत हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ये बात भी गलत है क्योंकि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तो क्या रहेगी, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, सॉरी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या रहेगी, ईआरवी रहेगी और क्या रहेगी, आरवी रहेगी, और इन दोनों के सम को ही हम क्या बुलाते हैं, एफआरसी। तो ये बात एकदम सही है और यही हमारा सही आंसर हो गया। फिर भी थर्ड पढ़ते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स गलत है, वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, तो इंस्पायर भी नहीं किया जा सकता इसे, तो सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे आ जाओ, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ट्रेकिया में वो इनकम्प्लीट होंगी किस सतह की तरफ, तो देखो किस सतह की तरफ होगी, आगे की तरफ कौन सी साइड होती है, वेंट्रल, तो वेंट्रल पे लगी रहती है, डॉर्सल साइड की तरफ यानी कि पीछे की तरफ, आगे तो ऐसे रहेगी और पीछे की तरफ क्या है वो बेसिकली क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी, पीछे की तरफ क्या होगी वो इनकम्प्लीट होगी, कौन सी साइड पर, डॉर्सल साइड पर। तो बस आंसर में देखो कौन सा सिलेक्ट कर लो, डॉर्सल यानी पृष्ठीय जो है उस पर उपास्थिल छल्ले जो है वो क्या रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। चलो नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन्हीं को लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वाइटल कैपेसिटी सबसे ज्यादा, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम। देखो टीवी कितना है, टीवी कितना हो जाएगा, लगभग 500 ml होता है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम है वो लगभग 1200 ml हो गया, ठीक है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3500 ml हो गया, और उसमें हम ERV और जोड़ लें 1000 की या 1100 की तो वो लगभग 4100 हो गया। तो इसीलिए सही जो है आंसर वो कौन सा होगा कि सबसे ज्यादा तो कौन सी है, वाइटल कैपेसिटी, फिर कौन है आईआरवी, फिर कौन है आरवी, और फिर सबसे कम कौन है टीवी। देख लो कहां पे हो रहा है, यानी डी सबसे ज्यादा, डी सी बी ए, डी को सबसे ज्यादा बता रहा है, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को, तो फर्स्ट ऑप्शन ही में ही हमें सही आंसर मिल जाएगा। इसमें बी को बता दिया गलत है, इसमें सी को बता दिया गलत है, और इसमें क्या किया, यहाँ पर डी को सबसे ज्यादा बताया, फिर बी को बता दिया जो कि गलत है, ठीक है, तो सही आंसर कहाँ पे मिला हमें, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, तो देखो इसमें आंसर क्या है, अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या करेगा, रेस्पायर करेगा, इसलिए उसके पास कोई अलग से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। वहीं आप क्रैब में देखोगे तो आपको मिलेगी, सेलमोन में देखोगे तो मिलेगी गिल्स, और आंट में देखोगे तो क्या मिलेगी आपको, एक तरह से ट्रैकियल सिस्टम, तो इन सभी में मिलती है, बट अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू सांस ले रहा है, तो अलग से कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आंसर भी क्या गया हमारा बच्चों, सेकंड चला गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नाक के अंदर जो छोटे छोटे रोम होते हैं या स्मॉल हेयर्स होते हैं उनका काम क्या है, तो उनका काम कुछ भी नहीं है कि लंग्स में क्या नहीं जाए, डस्ट नहीं जाए, तो उसे डस्ट को क्या करना, लंग्स से दूर रखने का काम किसका है, उन छोटे छोटे रोम का या उन बालों का काम है, लंग्स में क्या करना, डस्ट को दूर रखना। आगे आ जाओ, कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर है जो लंग्स को बाहर से बचने से बचाती है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अभी हमने देखा जो रिब केज है उसका फंक्शन ही कहीं ना कहीं ये है कि वो जो थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन्स है उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन्स है उनमें से एक कौन सा है, लंग्स, इसलिए रिब केज जो है वो सही आंसर चला जाएगा, यानी कि पसली पंजर। आगे आ जाओ, ओपनिंग टू द ट्रेकिया इज कवर्ड बाय स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू टर्म्ड एज, यानी कि जो ओपनिंग है ट्रेकिया की वो स्मॉल फ्लैप लाइक टिश्यू से कवर होती है, और उसे क्या कहा गया है बच्चों,
एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ये हम कई बार देख चुके हैं। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एक तरह का कपाट है जो ढक के रखता है ताकि भोजन को निगलते समय जो भोजन है वो ट्रैकिया में ना जाए, किस में जाए, आहार नाल में जाए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स, तो देखो पोन्स में कौन सा सेंटर होगा? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ब्रेन में, और क्यों क्या है? मेड्यूला में एरिया बोल दिया इसने, सेंटर नहीं बोला, तो एरिया कौन सा होता है मेड्यूला में? कीमो सेंसिटिव एरिया। तो ए पर, पी पर क्या आना चाहिए? न्यूमोटैक्सिक, और क्यू पर क्या आना चाहिए? कीमो सेंसिटिव, यानी कि न्यूमोटॉक्सिक और रसायन संवेदी। तो देखो कहां पर दे रखा है, ए पर, पी पर, ऐसे नोड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पैराइटल लोब, और ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? देखो सेकंड ऑप्शन, न्यूमोटैक्सिक और रसायन संवेदी, यानी कि कीमो सेंसिटिव एरिया। कहां पे प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक? रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए। कहां पे प्रेजेंट होता है? बेसिकली पोन्स के अंदर। और कीमो सेंसिटिव एरिया मेडुला के पास में है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? CO2 का अगर प्रेशर बढ़ जाए, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इन सभी के लिए वो क्या कर सकता है? इंपल्सेस यानी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। मैच द फॉलोइंग करना है बच्चों। तो देखो अस्थमा की रिगार्डिंग बात की जाए तो अस्थमा में हम क्या कह सकते हैं कि ब्रोंकियल मांसपेशियों में क्या आ जाए? ऐंठन आ जाए, तब हम क्या बोल सकते हैं? यानी स्पाज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल्स। तो ए में क्या हो जाएगा? बेसिकली सेकंड, स्पाज्म हो गया ब्रोंकियल मसल्स का, क्या हो जाता है? स्पाज्म हो जाता है। इन्फ्लामेशन भी होता है ब्रोंकियल्स में, बट यहां पर इन्फ्लामेशन क्यों नहीं दिया हमने आंसर? क्योंकि यहां पर एग्जैक्टली उसके लिए सही ऑप्शन यहां पर दे रखा है, ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है तो गलत नहीं हो सकता ये। फिर राइनाइटिस किसे कहते हैं? देखो राइनाइटिस क्या है? नासा मार्ग में शोथ, यानी कि किसमें हो इन्फ्लामेशन? नेजल ट्रैक्ट का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा यहां पर? राइनाइटिस। और एम्फाइसीमा कफ विथ ब्लड स्टेन्ड स्पूटम, यानी कि क्या हो, सॉरी यहां पर जो ये ऑप्शन है एम्फाइसीमा, ये क्या है? वायु कूपिकाओं का पूर्णतः क्या होना? क्षतिग्रस्त हो जाना। ठीक है, यानी कि एम्फाइसीमा में क्या हो जाएगा? फुल्ली ब्लोन एल्वुलाई। तो ए में कौन सा हो गया? सेकंड। ए में सेकंड हो गया, बी में कौन सा हो गया? फोर्थ। सी में कौन सा हो गया? फर्स्ट। और डी में कौन सा हो गया? थर्ड। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो हमें कहां मिल गया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। वीजिंग साउंड, ये बहुत स्पेसिफाई क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ, हमेशा ध्यान रखना। घरघराहट की आवाज, घरघराहट की आवाज मुख्यतः ब्रोंकाई तथा ब्रोंकियोल में शोथ के कारण आती है, जो जिसका रीजन क्या है? देखो वीजिंग साउंड की बात की जाएगी ना बच्चों, तो आंसर क्या जाएगा वीजिंग साउंड के लिए? हमेशा ध्यान रखना, अस्थमा की बात हो रही है। घरघराहट की आवाज में कौन रिलेटेड है? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का इन्फ्लामेशन सम्मिलित है। एम्फाइसीमा किससे रिलेटेड है? एल्वुलाई से रिलेटेड है, कूपिकाओं से रिलेटेड है, तो उसमें घरघराहट की आवाज नहीं आएगी, इसीलिए आंसर क्या गया इसका? सेकंड ऑप्शन, यानी कि क्या चला गया? अस्थमा चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 120 क्वेश्चंस, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, और लगभग जो था कॉन्सेप्ट जो थी पूरी कवर की गई कि एनसीईआरटी के आसपास ये सारे क्वेश्चन रहे और आपको कुछ सीखने को मौका मिले। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, गुरुनीति की वीडियोस देखते रहिए और DCM को सीरियसली फॉलो कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और अब कम समय जब बच जाए नीट के एग्जाम के लिए, तो एक ही आपको फोकस रखना है, NCERT को पढ़ना है और टेस्ट सीरीज के पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज को आपको सीरियसली देना है। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।